आप सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या काल है ना और uh, मैं हूं सौरभ रंगडाले इन द मोस्ट अवेटेड सेशन ऑफ रेलवे एयरपोर्ट डॉक हार्बर एंड ब्रिज है ना काफी टाइम से आप लोग इसके बारे में बोल रहे थे कि सर इस पर सेशन लाइए एंड टुडे आई एम हियर द सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसा आप देख सकते हैं रेलवे एयरपोर्ट डॉक हार्बर एंड ब्रिज ठीक है तो आज आपका जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ा पैकेट बड़ा धमाका ही है ठीक है छोटा पैकेट तो नहीं है क्योंकि यहां पे रेलवे भी है एयरपोर्ट भी है डॉक है डॉक हार्बर भी है यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और ब्रिज भी है ठीक है तो ये आपका पावर प्ले जैसा कि आपको पता है कि फाइनल पावर प्ले ही है तो यहां पर इसका जो सेशन है वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ रेलवे इंजीनियरिंग जो है वो डिस्कस करूंगा रेलवे इंजीनियरिंग के बाद जो है वो सारे टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस देयर सो लेट्स एडजस्ट सम पेन्स एंड ऑल देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर द सेशन तो कुछ इस तरीके से आपके लिए यहां पे सेशन जो है वो आज का रहेगा तो चलिए सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम सौरभ वेलकमिंग यू ऑल टू YouTube चैनल ऑफ इन्फिनिटी अकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे ठीक है और मैं आप लोग एक बार आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दू मैं आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेने वाला हूँ ठीक है तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा और डिफरेंट क्या है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू तो देखिए क्या है ना कि आज का जो सेशन हम लोग कैरी आउट करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझेंगे जो कि हमेशा भी हम करते हैं बट ये कि इस सब्जेक्ट के बारे में मैं ये मान करके चल रहा हूं कि किसी को कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता बट स्टिल आई वॉन्ट की दे पीपल शुड गेट द स्कोर ठीक है आप लोग कैसे भी करके मार्क्स ले आए क्योंकि देखो क्या है ना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके आरसीसी से बनते हैं या इन्वायरमेंट से बनते हैं या सोम से बनते हैं या बिल्डिंग मटेरियल से बनेंगे ठीक है लेकिन जैसे रेलवे एयरपोर्ट डॉक हार्बर इनसे हो सकता है कि कंबाइंडली आपके फाइव क्वेश्चन बन जाए ठीक है और फाइव क्वेश्चन एक बहुत बड़ा वेटेज है ना सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में फाइव क्वेश्चन का वेटेज एक बड़ा है ब्रिज इंजीनियरिंग देखा जाए तो सिलेबस का उतना पार्ट लास्ट टाइम देखने को नहीं मिलता जैसे बीएमसी में बहुत डिटेल में है बट स्टिल आई एम कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक मान लीजिए एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लो ठीक है तो ये सारी बातें यहां पर है और Uh, जो है सेशन हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर दैट मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे देख लेता हूँ सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्नेहा ध्यान बाबा रेंचो यामी शुभम सिमरन ओके गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जय सर आज की पीडीएफ देना ओके okay, ठीक है चलिए आज की पीडीएफ के लिए मैं बोलूंगा रेड ओके okay. <laughs> चलिए सचिन ठीक है थैंक यू अब डेली डेली वही कपड़े पहन के आ जाए क्या <laughs> <laughs> चलिए ठीक है तो आ, प्रोसीड करते हैं आज के सेशन की तरफ तो फाइनल पावर प्ले है और फाइनल पावर प्ले में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स ठीक है आप चीजों को समझने की कोशिश जो है वह, यहां पर करिएगा है ना और डाउट वगैरह लगता है तो एज यूजल कमेंट बॉक्स में पूछे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द सेक्शन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल uh, uh, ज्यादा नहीं होंगे ओवरऑल कम ही होंगे ठीक है न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होंगे बट यहां पे जो छोटे छोटे वन लाइनर न्यूमेरिकल है दैट आई हैव ट्राइड टू टेक अन यर ओके सो अगेन वेलकम यू यू एवरी वन और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे जिन्हें जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है पहले भी टीपीए वगैरह के टाइम पे डब्ल्यू के टाइम पे हमने ऐसे सेशन किए हुए हैं रेलवे एयरपोर्ट वगैरह के उन सेशन को भी आप उनके एमसीक्यूज देख सकते हो है ना और तो आपके पास दो सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और ये की थर्ड सेशन है तो ऐसे तीन सेशन के वीडियो आप आ, देखेगा है ना तो आपका अच्छे से टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक रेलवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है वो हम लोग सबसे पहले यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ओके सो लेट स्टार्ट विद द रेलवे इंजीनियरिंग फर्स्ट चलिए तो देखिए यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रेलवे इंजीनियरिंग के लिए और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और इस क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर करिएगा इन एन इलेक्ट्रिकल इन एन इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन द हाइट ऑफ कैटेनरी कॉन्टेक्ट अबाउट द रेल टॉपिक है ना तो देखिए आपको इसका आंसर जो है यहां पर बताना है तो आ, सर था इंफिनिटी यानी इनफिनिट डिफरेंट क्यों आए अब है भाई डिफरेंट तो क्या करें <laughs> चीजें अलग-अलग हैं तो है है ना क्या ही कर सकते हो उसके लिए ठीक है जो है सो है क्यों है उस पे मत जाओ है अलग बस इतना पकड़ो ठीक है चलिए इन इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन देखिए क्या होता है कि जैसे जो आपकी इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन होती है उसमें जो कैटेनरी की हाइट होती है मतलब देखिए इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन क्या होती है ऊपर इलेक्ट्रिक केबल होती है और वहां से वो एनर्जी जो है वो लेती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन ठीक है तो आपको वो ये बताना है कि वो कितने हाइट पर रहती है देखो स्टैटिक डेटा है याद रखना है और कुछ नहीं करना है ठीक है स्टैटिक डेटा है कुछ नहीं कर सकते हो तो इसके केस में बस याद रखिए चीजों को कि ये जो है फाइव मीटर टॉप पर होती है ठीक है मतलब की बॉटम सरफेस से ग्राउंड लेवल से फाइव मीटर टॉप पे होती है इतना याद रखिए कैटेनरी का मतलब क्या होता है ना कैटेनरी जो है वो शेप होता है ठीक है पैराबोलिक से थोड़ा रिजेंबल करता हुआ उससे मिलता जुलता शेप होता है उसी को हम लोग कैटनेरी शेप कहते हैं ठीक है थीके? तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा तो कुछ लोगों को पता है इसके बारे में बाकी जो नहीं पता है एज अ इंफॉर्मेशन आज के सेशन को लीजिएगा सुनिएगा चीजों को समझने की कोशिश करिए कोई डाउट है तो पूछेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नैरो गेज इज अडोप्टेड वेयर देखिए आप सभी को पता है कि रेलवे में हमारे पास एक होता है नैरो गेज एक होता है मीटर गेज और एक होता है ब्रॉड गेज ठीक है तो नैरो गेज मीटर गेज और ब्रॉड गेज ये तीन तरीके के गेजेस होते हैं गेज का मतलब क्या होता है देखिए जैसे हमारी रेल है ठीक है मान लीजिए हमारी रेल है यहां पे, तो कुछ इस तरीके से हमारी रेल हमको देखने को मिलती है सिमिलरली यहां पर एक और रेल होती है, जिसके ऊपर फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है ठीक है अब ये जो रेल रेल के इनर फेस से इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग गेज लेंथ कहते हैं ठीक है गेज लेंथ कहते हैं और इस गेज लेंथ के बेसिस पर ही हम लोग नैरो गेज मीटर गेज और ब्रॉड गेज ये तीन क्लासिफिकेशन करते हैं ये वही रेल है जिसके ऊपर हमारी ट्रेन ट्रेवल करती है ठीक है सो रेल मतलब जो जिसके ऊपर ट्रेन ट्रेवल करती है रेल इज डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन इज डिफरेंट ठीक है बोलचाल की लैंग्वेज में हम सभी एक ही कह देते हैं रेल इज द पोर्शन वेयर द ट्रेन इज ट्रेवलिंग ओके तो यहां से आप लोग याद रखिए कि हिली टेरेन जहां पर होता है वहां पे हम नैरो गेज प्रिफर करते हैं क्योंकि इसका गेज लेंथ तो जो है वो काफी कम होती है कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को पता है नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग ज्यादा है तो इसे प्रेफर हम नहीं करेंगे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रेवेन्यू एक सोर्स हो सकता है बट कोई मेजर नहीं है यहां पर ठीक है मेजर इसका नहीं है एक्विजिशन ऑफ लैंड इज डिफिकल्ट तो लैंड एक्विजिशन डिफिकल्ट है तो uh, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा ब्रॉडगेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने से तो ये कोई ऑप्शन उतना वैलिडिटी नहीं रखता है जितना कि टेरेन का हीली होना टोपोग्राफिकल फीचर पर यह चीज ज्यादा डिपेंड करती है ठीक है तो ये बात यहां से सभी लोग याद रखिएगा ओके चलिए नेक्स्ट मूव टू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ क्रीप इन रेल्स ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्रीप इन रेल क्या होता है इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम जो है क्वेश्चन पर आते हैं सो यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द क्रीप ठीक है क्रीप का मतलब क्या होता है उसे समझिए ठीक है मैंने कहा था आज का सेशन कुछ ऐसे ही हम लोग कैरी आउट करेंगे मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट इट दैट इज अ वेरी गुड थिंग दोज हु आर नॉट अवेयर लिसन द थिंग देखो क्या होता है जैसे आप देख रहे हो ये एक रेल है ये एक रेल है अब होता क्या है कि जब ट्रेन कंटिन्यूअसली रेल के ऊपर मूव करती है तो क्या होता है कि कई बार फोर्स ज्यादा लगता है कभी फोर्स कम लगता है मतलब जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो रेल्स पे कई बार बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स जब काफी हाई हो जाता है ठीक है कई बार ब्रेक लगाते हैं ठीक है जो लोको पायलट होता है कई बार ब्रेक लगाता है एक्सिलेट करता है डी एक्ल करता है तो क्या होता है जो हमारी रेल होती है उसमें प्रेशर की वजह से कहीं पर वो लिफ्ट कर जाता है कहीं पर वो डाउन चला जाता है तो ये जो फिनामिना होता है जिसमें लॉन्गिट्यूड रेल की लेंथ के अलाफॉर्मेशन जो आते हैं उसको हम लोग क्रीप कहते हैं ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है पूछी जा सकती है एग्जाम में तो क्रीप जो फिनिना होता है इस क्रीप के फिनमिना में यही होता है कि लॉन्गिट्यूडन मूवमेंट की वजह से नहीं है ठीक है ये बात याद रखिए ठीक है नहीं है आपसे पूछा गया तो स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन ट्रेन का स्टॉप होना क्लॉज है बिल्कुल मैंने बताया कॉज uh, जो है वो होता है ट्रेन का स्टॉप होनाट होना डी एसिलेरेट होना ट्रैफिक इंटेंसिटी ये भी इसका एक रीजन है ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्रीप आपको देखने को मिलेगा एसलेन डी जैसा कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बता ही दिया देखो आ, कमेंट बॉक्स में नहीं यूट्यूब सेशन में तो देखिए क्या होता है एसले रेशन एंड डीएसरेशन रे, ट्रैफिक इंटेंसिटी और स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल की वजह से रोड सरफेस भी खराब होते हैं रोड सरफेस में भी वीआर एंड टी रटिंग टिंग क्रैक अनइवननेस हाईवे इंजीनियरिंग में भी ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी ट्रेन में होती हैं तो यहां पर जो रेनफॉल है ये इसका कॉज नहीं है ठीक है रेनफॉल इज नॉट द कॉज ऑफ इट बिकॉज रेनफॉल जो है उसकी वजह से आपकी परमिबिलिटी uh, का लॉस होना या प्रेशर का इंक्रीज करना ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती तो यहां से जो डी है दैट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर इन नॉट गोइंग टू बी द रीजन ऑफ इट एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है तो यह बात याद रखिएगा तो क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन अकरिंग अलोंग द रेल लेंथ एंड इट एंड कॉजेजर डिफॉर्मेशन अकरिंग ड्यू टू द स्पीड अकरिंग ड्यू टू एक्सीलरेशन डी एसिलेशन ब्रेक एप्लीकेशन ऑल दिस थिंग्स ठीक है याद रखिएगा इस चीज को ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द मैक्सिमम एक्सेल लोड फॉर मीटर गेज इन इंडिया ठीक है, चलिए तो बताएंगे मैक्सिमम एक्सेल एक्सेल लोड जो है वो कितना कंसीडर किया जाता है मीटर गेज के लिए देखो एक चीज याद रखिएगा क्या होता है ना रेलवे इंजीनियरिंग में थोड़े स्टैटिक डेटा वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि भाई आपका आ, जो है Uh, कितना मतलब uh, uh, जैसे चेयर्स होती हैं डॉग स्पाइक होती हैं तो इनकी विथ वगैरह फिश प्लेट वगैरह से रिलेटेड तो थोड़े स्टैटिक डेटा वाले क्वेश्चन भी याद रखिएगा ठीक है तो देखो मैक्सिमम एक्सेल लोड फॉर मीटर गेज इन इंडिया जो डिजाइन की जाती है वो याद रखिए सेवन पॉइंट थ्री टन इसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं ठीक है तो जैसा यहां पे लिखा हुआ है टन के रिस्पेक्ट में और याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रॉड गेज होता है उसको हम लोग ट्वेंटी टन के लिए डिजाइन करते हैं ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है ब्रॉड गेज का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है और नैरो गेज जो होता है ठीक है उसको हम लोग फिफ्टीन टन के लिए डिजाइन करते हैं ठीक है तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा स्टैटिक डेटा वाले क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग में होते हैं ऐसा और भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन वगैरह में चीजें ऑब्जर्व की गई हैं ठीक है गेट के क्वेश्चन अलग होते हैं गेट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे आते हैं ठीक है तो ये बात आप यहां पे याद रखिएगा सो दैट इज गोइंग टू बी देयर सर ये पार्ट पीडब्ल्यू डी एग्जाम में कितने मार्क्स होंगे देखिए मैंने बता दिया था इसके बारे में पांच से छह क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है मोस्टली आप छह क्वेश्चन जो है वो यहां से एक्सपेक्ट करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे टेल कमेंट बॉक्स चलिए द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर इज देखिए आप सभी को पता है जैसे ये रेल होती है तो रेल में यहां पर होते हैं स्लीपर ठीक है रेल में यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं स्लीपर ठीक है ये प्रोवाइड करते हैं स्लीपर ये यहां पे स्लीपर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो ये जो स्लीपर होते हैं पूछा गया है कि फंक्शन क्या है स्लीपर का देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम रेलवे का पी वे देखें ठीक है पी वे पी वे का मतलब होता है परमानेंट वे परमानेंट वे हम रेल का ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि यहां पर होती है हमारी रेल्स ठीक है ये आपकी रेल हो गई ठीक है इन रेल के ऊपर हमारी ट्रेन ट्रेवल करेगी यहां पर होते हैं इनके नीचे स्लीपर ठीक है और स्लीपर के स्लीपर जो है वो बलास्ट से कनेक्टेड होते हैं और ये पूरा फॉर्मेशन होता है और आपका नीचे ग्राउंड पे होता है कुछ इस तरीके से ये जो है आपका पीवे कहलाता है अब क्या है यहां पर देखिए स्लीपर का सिंपल सा काम यह है कि रेल में जो भी लोड आ रहा है उसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट करें बलास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें और बलास्ट से जो है वो नीचे के फॉर्मेशन में उस चीज को ट्रांसफर कर दें ठीक है तो यहां से अब हम देखें तो इसका मेन फंक्शन हमको क्या देखने को मिलता है दैट यू नीड टू सी हियर तो देखिए क्या है टू सपोर्ट द रेल बिल्कुल करेक्ट है टू होल्ड रोल रेल्स एट देयर करेक्ट गेज मतलब देखिए क्या है ये जो गेज है ना ये मेंटेन रहना चाहिए ठीक है ये गेज मेंटेन रहना चाहिए इस गेज को मेंटेन रहने के लिए स्लीपर का कनेक्शन बहुत जरूरी है नहीं तो ट्रेन ट्रेवल करेगी तो क्या है रेल्स यहाँ पे मूव कर जाएंगी ओके दैट्स वाई तो इसलिए ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू होल्ड द रोड रेल्स करेक्ट गेज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम रेल्स टू द बलास्ट ठीक है ये तो फंक्शन है ही तो आ गया आपका प्यारा मित्र अगेन सरकारी ऑप्शन जो आप लोग इसे कहते हो दैट इज ऑल ऑफ दी अब ठीक है तो ऑल ऑफ दी अबो इज योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है चलिए तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो जो भी मैंने फंक्शन को याद रखिए कि देखिए सिंपल सी बात है एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इससे आपसे रिलेटेड इससे चार क्वेश्चन और जो है वो आ सके वो आपसे बनने चाहिए ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने वैसे करेक्ट बताया तो स्लीपर वगैरह के बारे में चलिए अच्छी बात है सभी को मालूम है ओके

नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं किसी ने सी कहा है किसी ने सर डी कहा है ना? तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको जो चीज है यहाँ पे देखने को मिलेगी देखो सबसे पहले बात यह है मैं एक कंसेप्ट पे आता हूं यहाँ पे क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एंड मेनी पीपल आर आल्सो अवेयर अबाउट इट और ये है कोनिंग ऑफ व्हील ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील का मतलब क्या है इसे समझिए देखो of wheel का मतलब क्या होता है जैसे हम यहां पर कोई भी रेल uh, का व्हील देखते हैं ठीक है? तो जो रेल का जो व्हील होता है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ठीक है ये ऐसे जो है वो डिजाइन किया जाता है लाइक दिस ठीक है इस तरीके से तो ये क्या होता है यहां पर जो व्हील होता है ये फ्लैट नहीं होता ऐसे, है ऐसे ठीक है कि ऐसे आपको यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को मिले ठीक है कुछ इस तरीके से देखने को मिले ये नहीं होता जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करके रखा है ये जो है वो स्लोपी होता है ठीक है स्लोपी होता है और स्लोप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और ये जो स्लोप होता है ये वन इन ट्वेंटी डिग्री का स्लोप ये लोग वन इस टू ट्वेंटी का स्लोप जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोनिंग इज प्रोवाइडेड एट वन इन ट्वेंटी स्लोप ठीक है अब इस कोनिंग को प्रोवाइड करने का रीजन क्या होता है देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना जो हमारी ट्रेन होती है ना उस ट्रेन के साथ क्या है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम एक का मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती बट होता क्या है यहां पर कि ऐसा नहीं है ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडन डायरेक्शन में उसको ट्रेवल कराओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लैटरल मूवमेंट नहीं करेगा लैटरल मूवमेंट आपको अलाउ करना पड़ेगा मूवमेंट अलाउ नहीं करोगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा रिजिडिटी आ जाएगी उतने ही ज्यादा फोर्सेज जनरेट होंगे और उसकी वजह से आपका जो पूरा पी वे है पूरा परमानेंट वे है वो पूरे तरीके से डैमेज हो सकता है तो हम उसको हमको उसका थोड़ा लेटरल कोनिंग प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो कोनिंग ऑफ व्हील जो है वो नेसेसरी होती है बिल्कुल प्रोवाइड करना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कोनिंग आ, इन कोनिंग व्हील्स आर गिवन एन आउटवर्ड स्लोप ठीक है तो आउटवर्ड स्लोप आपको यहां पर गिवन होता है कोनिंग ऑफ व्हील इज रिक्वायर्ड ओनली इन कर्व देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोनिंग ऑफ व्हील जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व पे ही रिक्वायर्ड है स्ट्रेट ट्रैक uh, पर भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ठीक है तो ये बात याद रखिए तो यहां से जो हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है और ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही मेरा इस केस के आंसर होगा ठीक है दैट इज गोइंग गोइंग टू बी द कंडीशन इन दिस केस ठीक है तो ऐसे हमें ये जो चीज है वो यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा ओके दिस पर्टिकुलर थिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज मेजर ऑफ ठीक है गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज मेजर ऑफ गेज ऑफ रेलवे ट्रैक जो है वो किस चीज का मेजरमेंट है तो गेज ऑफ रेलवे ट्रैक देखो मैंने पहले ही कहा था इनर टू इनर फेस की डिस्टेंस होती है ठीक है तो यहां पर

कंडीशन ठीक ठीक है 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 तो तो कुछ इस तरीके तरीके से से आपका आंसर जो है, वो दोनों केस में हो जाएगा अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन विच इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ इंडियन रेलवे देखिए इंडियन रेलवे वेरी बिग डिपार्टमेंट ओके एज पर द इंप्लॉय इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड नॉट इन इंडिया ठीक है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इसके बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है पता है आपको मैकडोनल्ड्स ठीक है तो मैकडी जो है वो इसके बाद हमें देखने को मिलता है तो देखिए क्या है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्रिस क्रिस क्या है सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे हमारी ट्रेन है आप आ, किसी ट्रेन से जाना चाहते हो आपको उसको स्पॉट करना है कि अभी कहां पर है तो उसके लिए आप क्रिस का यूज करोगे ठीक है 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 क्रिस की आती ना आरडीएसओ क्या होता रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है Research, uh, तो ये रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका यह काम करते हैं तो यही आपका इसके केस में आंसर है आरएसडीओ जैसा नहीं है कुछ आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ठीक है तो आईआरसीटीसी जो है ये टिकट वगैरह हम लोग करते हैं जहां से ठीक है टूरिज्म है, हैंडल करना और फूड केटरिंग सिस्टम सब इन्हीं के अंदर आता है मतलब देखा जाए तो रेलवे का ये सबसे बड़ा पीएसयू आप एक तरीके से इसको कह सकते हो आईआरसीटीसी को ठीक है तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर तो जो है वो हमारा क्रिस हो जाएगा सॉरी आंसर हमारा आरडीएस हो जाएगा बाकी आप इनके बारे में भी जान गए कि क्रिस का मतलब क्या है और आई आर सी टी सी का मीनिंग क्या है ठीक है क्लियर हो गई ये बात है ना नंदा शिंदे क्या कह रहे हैं एपीएम के नोट्स चैनल पर डालने को बोलिए फॉर डब्ल्यू आर डी बैच डब्ल्यू आर डी बैच डब्ल्यू बैच आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डला होगा ना यार देखो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर होगा ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांट फॉर थ्री डिग्री कर्व ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक इफ परमिटेड स्पीड इज सेवेंटी के है ना चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या होगा वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके पेशेंस पेशंस पाजे है ना फॉर टू सेशन ओके यू शुड कीप द पेशेंस टू लिसन द थिंग्स एटलीस्ट सुनिए तो कम से कम घबराइए नहीं कि भाई मेरे से कैसे मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझसे तो हो ही नहीं रहा है आप सुनो तो एक डेढ़ घंटा बैठो कुछ ना कुछ चीजें जरूर यहां से लेकर के जाओगे सुनी हुई बातें भी याद होती हैं सुना हुआ पढ़ा हुआ देखा हुआ ये तीन चीजें तो हमें याद होती हैं और महसूस किया हुआ किसी चीज को ठीक है तो अभी महसूस करना बाद में छोड़ो लेकिन सुन लो देख लो चीजों को तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो ठीक है चलिए तो ये एक छोटा सा वन लाइन न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है ठीक है और इसे आप लोग करने की कोशिश करेंगे है ना आपके साथ ये नहीं होना चाहिए माई पेशेंस इज वेनिंग इज दिस इंटरटेनिंग नॉट एट ऑल इंटरटेनिंग ठीक है पेशेंस को वेनिंग नहीं करना है है ना आपको अपना पेशेंस जो है वो रखना है यहाँ पे ठीक है चलिए तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा देखो क्या है इक्विलिब्रियम कांट कांट, मतलब एलिवेशन ठीक है कांट, कांट, कांट मतलब super elevation, banking, एक ही बात होती। और इसके लिए हम लोग अपॉन वन ट्वेंटी सेवन आर बट इस फॉर्मुले की एक कंडीशन है यहां पे जो वेलोसिटी ना वो किलोमीटर पर आर में होनी चाहिए और रेडियस जो है वो आपकी मीटर में होनी चाहिए ठीक है तो ये थोड़ा इसके केस में आप यहां पर याद रखेंगे अब देखिए अब आपको सुपर एलिवेशन पूछा गया है बट सुपर एलिवेशन पूछा तो गया बट आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए अब देखो स्पीड आपको मालूम है इन्होंने दे दिया सेवेंटी किलोमीटर पार लेकिन रेडियस पता है क्या नहीं पता अब यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज की है ना गेज तो जी क्या होती है गेज लेंथ होती है ठीक है तो जी आपकी गेज लेंथ है अब जी जब गेज लेंथ है तो गेज लेंथ भी हमें नहीं पता सॉरी गेज लेंथ पता है क्योंकि तो रेडियस e तो तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो रेडियस निकालने के लिए हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे आर इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई डी डी का मतलब होता है डिग्री ऑफ जो कि मुझे यहां पे गिवन है सेवन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री यहां पर करेंगे सो इट विल बी कमिंग आउट एस टू सेवन थ्री पॉइंट थ्री फाइव सेवेंटी थ्री पॉइंट थ्री और ये आंसर जो है वो हमेशा हमारा मीटर में होता है ठीक है तो ये बात याद रखिएगा अब यहां से क्या करेंगे हमें वैल्यू पता है 1.676 मल्टीप्लाइड बाय वी ठीक है तो 70 इसका स्क्वायर कर दो 127 ट्वेंटी मल्टीप्लाइड आर आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्व और वो हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया है फाइव सेवेंटी थ्री ठीक है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा ओके okay? तो दैट इज गोइंग टू बी दिंग हियर और यहां से आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा तो लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन यू पीपल नीड टू डू अप्रोक्सीमेशन करके आंसर निकाल सकते हो क्योंकि ऑप्शन थोड़े आ, हैं दूर बट बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करिएगा क्योंकि जैसे ये थोड़े पास ही है सिक्सटीन पॉइंट टू और फिर भी डेढ़ पॉइंट के डिफरेंस okay? तो है ओके तो ऐसा है तो यहां से देखो ये फॉर्मूला ना जरूर याद रखना है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तो जीवी स्क्वायर बाई आर ये डायरेक्ट भी पूछे आते हैं कई बार फॉर्मूले और ये रेडियस ऑफ कर्व के हिसाब से डिग्री ठीक है या फिर कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D 720 by R. तो कई बार दे दे दिया जाता 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 है कभी दे जाती है 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 निकालने निकालने को को कहा कहा कभी दी जाती तो ये क्वेश्चन से करिएगा से क्वेश्चन uh, मतलब इतना ऐसा क्वेश्चन ना भी बना तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है ठीक है तो दैट इज हाउ इट इज देयर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये काफी आसान है मैं इसका आंसर सभी से एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग ये जो है, discuss कर ही चुके हैं ठीक है अभी ही मैंने बताया था वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स ठीक है सो दैट इज डी इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस केस ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन देख करके अच्छा लगता होगा वो चीज मैं समझ सकता हूँ लेकिन बाकी चीजों को सुनिए ठीक है सुनिए बाकी चीजों को ये करंट लगा <laughs> चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज फॉलोड बाई रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन जो है ये आपके लिए यहां पे आया है कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लोग फेस करते हैं ये आपके एस्टिमेशन से रिलेटेड भी हो सकता है ठीक है तो मुझे जितना पता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये लोग यूज करते हैं ठीक है परसेंटेज रेट पीस रेट यूज नहीं किया जाता आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां पर यूज किया जाता है सो रिमेंबर इट ठीक है स्टैटिक डेटा है याद रखिएगा ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बड़ा टॉपिक रहेगा ठीक है यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयरपोर्ट डॉक हार्बर टनल ठीक है ये क्या है ना रिमोट मतलब, टॉपिक है? कहलाते हैं रिमोट टॉपिक मतलब ये हर एग्जाम के सिलेबस में नहीं होते बहुत ही कम एग्जाम में होते हैं। जैसे डब्ल्यू आर डी में था ठीक है टीपीए में था तो यहां पे क्या होता है ना कि बहुत टफ नहीं आता ठीक है जैसे आरसीसी है या आपका बीसीएम है या फिर सॉम है ठीक है तो यहां से टफ क्वेश्चन पूछेंगे सर्वेइंग है तो वहां पे टफ टफर साइड ये जा सकती है क्योंकि सबसे आते हैं ये सब्जेक्ट है ना लेकिन यहां पे क्या है ना आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी कर लो 90 परसेंट क्वेश्चन वहीं से रहेंगे ठीक है दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर या तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे और रहेंगे तो वहीं से रहेंगे ठीक है तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिए तो उसका एक टॉपिक ऐसा भी है देखिए ग्रेड कंपनसेशन सजेस्टेड फॉर द ब्रॉड गेज ठीक है तो देखो क्या होता है ग्रेड कंपनसेशन का मतलब वही है जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग में होता था तो हम क्या कहते हैं वेयर वेयर देयर देयर इज इज द द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व साइमल्टेनियसली जहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी कर्व है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी कर्व है और वर्टिकल डायरेक्शन का भी कर्व है ठीक है तो दोनों ऐसे को एक्सिस्ट कर रहे हैं मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेशन है तो यहां पर क्या होता है जो भी आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं हम लोग ठीक है तो बात ये कितना रिडक्शन करें जैसे हाईवे इंजीनियरिंग में हम कहते हैं 75 और प्लस एवर इज मिनिमम मिनिमम ठीक है इनमें से जो भी हो उतना ग्रेड को रिडक्शन कर दो तो जैसे हमारे रूलिंग लिमिटिंग एक्सेप्शनल हाईवे में होते हैं वैसे ही हम यहां पर भी रूलिंग हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है ठीक है पुशर ग्रेडियंट होता है तो ऐसे हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में ग्रेडियंट होता है लेकिन इन ग्रेडियंट के केस में जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो नैरो गेज के लिए अलग होता है ब्रॉड मीटर गेज के लिए अलग होता है और हमारे ब्रॉड गेज के लिए अलग होता है ठीक है तो जैसे हमारा नैरो गेज होता है नैरो गेज के लिए जीरो पॉइंट टू जीरो परसेंट पर डिग्री ऑफ कर्व होता है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट पर डिग्री ऑफ कर्व होता है मीटर गेज के केस में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट पर डिग्री ऑफ कर्व होता है और ब्रॉड गेज uh, के केस में वन मिनट वन मिनट डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया नैरो गेज के केस में दैट इज जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट पर डिग्री ऑफ कर मीटर गेज में दैट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट पर डिग्री ऑफ कर और ब्रॉड गेज में जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट पर डिग्री ऑफ कर यहां पे किसके बारे में पूछा है ब्रॉड गेज तो आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ आपके मीटर गेज के लिए फोर परसेंट है, है? हमको देखने को यहां पर मिल जाता है ठीक है सो दैट इज गोइंग टू बी दस ओके तो ये कंडीशन यहां पर कुछ इस तरीके से होती है इसे याद रखेंगे ठीक है रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेटा है ना चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले यह जान लीजिए कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी चल रही है ठीक है ट्वेंटी फुल सिलेबस टेस्ट इसमें गिवन है इज गोइंग टू टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल ओके लेट्स कम द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो एंड मोनो ठीक है मोनो चलाई है ना मुंबई में मुंबई में मोनो चलाई गई ना और मेट्रो <laughs> रेल कहां चलाई गई मेट्रो भी मुंबई में बन रही है है ना मोनो रेल का सबसे पहला प्रोजेक्ट मुंबई में ही आया था और मेट्रो uh, तो काफी सारी जगह है है ना दिल्ली है दिल्ली में आ गई कोलकाता में सबसे पहले आई ठीक है पुणे में भी स्टार्ट हो गई है नागपुर लखनऊ जयपुर ना? uh, काफी सारे शहरों में है, है ना और uh, अंडर कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी जगह है बैंगलोर चेन्नई सब जगह कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है और पहले से भी ठीक है तो काफी सारे शहरों में मेट्रो तो है अब देखिए अब आपसे आप यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो एंड मोनो देखो मेट्रो और मोनो रेल के केस में ना हम लोग मैग्नीज स्टील को यूज करते हैं अब आप ये जानना जरूरी है कि मैग्नीज स्टील क्यों यूज करते हैं देखिए मैग्नीज स्टील जो है ना इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है ठीक है डक्टिलिटी कम होती है बट स्ट्रेंथ हाई होती है देखिए आप सभी को पता है जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है डक्टिलिटी बढ़ती है सॉरी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है तो डक्टिलिटी डिक्रीज करती है बट बिटलनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है लेकिन हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए ठीक है स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो इसलिए हम लोग इसमें क्या है ना मैग्नीज स्टील को यूज करते हैं ठीक है तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नीज से थोड़ा कम होती है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते बाकी कास्ट स्टील और बेसेमर भी इस कैटेगरी uh, uh, को सेटिस्फाई नहीं कर पाते ठीक है तो ये यहाँ पे थोड़ा याद रखेगा काफी लोगों ने इसका uh, सही आंसर दिया है है ना विषय है और भी काफी सारे लोग हैं दे आर ऑल्सो आंसरिंग इट करेक्टली ठीक है चलिए तो क्लियर हो रही है ना यहां तक की चीजें सभी को ओके और कुछ भी डाउट होता है कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग ठीक है बेहिचक बाकी चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे फंक्शन ऑफ फास्टनर ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि फास्टनर बेसिकली होता क्या है ठीक है देखिए फास्टनर का मतलब क्या होता है जैसे स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ना बोल्ट रिवेट वेल्ड ये आ, जैसे वेल्डिंग को फास्टनर की कैटेगरी में नहीं रखते बोल्ट और रिवेट जो होते हैं इनको फास्टनर कहा जाता है, ठीक है तो फास्टनर का के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं तो फास्टनर का जॉब क्या है ठीक है बट यहां पे ये नहीं पूछा गया कि फास्टनर का जॉब क्या है आपको नॉट द फंक्शन बताना है तो देखिए किसी भी दो मेंबर में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम है टू होल्ड रेल्स इन प्रॉपर पोजिशन ये इसका काम है बिल्कुल है टू ज्वाइन रेल विथ स्लीपर ये काम रेल विथ स्लीपर हाँ ये कर सकते हैं और टू ज्वाइन एडजेसेंट रेल ये भी करेंगे दो रेल को ज्वाइन करना है उनके बीच में फिश प्लेट लगाएंगे और उनको बोल्ट से या रिवेट से ज्वाइन करेंगे ठीक है तो ये भी काम करेंगे टू ज्वाइन स्लीपर विद ब्लास्ट नहीं स्लीपर को बलास्ट से करने का काम ये नहीं करते ठीक है? उसके लिए हम दूसरी जो फास्नर होते हैं उनका यूज करते हैं ठीक है चेयर्स वगैरह और उसके साथ डॉग स्पाइक ऐसे कनेक्शन जो है वो बिल्ड किया जाता है ठीक है तो ये यहां पे याद रखिएगा ठीक है चलिए इंजीनियर निखिल क्या कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वेटेज ऑफ रेलवे देखिए यार कितनी बार मैं बता चुका हूँ एक्सपेक्टेड वेटेज बोल तो रहा हूँ ये सारे टॉपिक मिलाकर के फाइव सिक्स क्वेश्चन सेवन uh, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपके आ सकते हैं ठीक है एग्जामिनर का ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया तो पंद्रह डाल देगा फिर ठीक है बट ऐसा नहीं होगा डोंट बॉर्दर अबाउट दैट ठीक है इतना uh, भी uh, वेरी नहीं करती है चीजें है ना लेकिन ये है कि सेवन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे ठीक है इतना है बट सेवन क्वेश्चन भी बहुत होते हैं ठीक है आप यहीं से मान लीजिए कुछ आ गया सेशन में से तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई फिर है ना और हमें तो बल्ले बल्ले ही करनी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक रेल ठीक है चलिए तो चेक रेल का कौन सा फंक्शन जो है वो यहां पर नहीं है ये आपको कमेंट uh, बॉक्स में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चेक रेल देखिए क्या होता है सबसे पहले ना समझिए चेक रेल बेसिकली होती क्या है ठीक है देखो क्या है जैसे मान लीजिए कहीं पर ना टर्न है ऐसे ठीक है टर्न है कहीं पे तो टर्न पे हम क्या करते हैं कि ये तो हमारी आउटर रेल कहलाती है, ये कहलाती है 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 ठीक ये आउटर रेल ओके और ये जो है ये वाली रेल हमारी कहलाती है इनर रेल ठीक है एक हमारी आउटर रेल होती है और एक होती है दैट इज द इनर रेल ठीक है तो आउटर रेल और इनर रेल होती है बट होता क्या है ना कि जो टर्न वाली जगह होती है वहां पर क्या है हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते है, है ना रिस्क नहीं लेने का बाबा क्योंकि देखिए रेलवे इज रिलेटेड रे विद द पब्लिक लाइफ एक एक्सीडेंट हो जाता है पूरी कंट्री में न्यूज बन जाती है ठीक है तो बहुत मतलब ये आ, आ, काफी हमारे लिए पब्लिक न्यूज बनती है ठीक है प्रेशर बनता है गवर्नमेंट पे ऑफिशर्स पे तो क्या होता है कि हम लोग एक्सीडेंटल प्रूफ चीजें हमेशा बनाना चाहते हैं तो क्या होता है कि इनर रेल और आउटर रेल के बीच में ना हम लोग एक और रेल इंट्रोड्यूस करके रखते हैं ठीक है ऐसे एक और रेल प्रोवाइड कर देते हैं और ये जो रेल होती है ना इसको चेक रेल कहा जाता है अब इस चेक रेल का बेसिकली फंक्शन क्या है देखिए चेक रेल का फंक्शन ये है कि जैसे क्या है जब हमारी ट्रेन कर्व पे ट्रेवल करेगी तो आप सभी को पता है एट द कर्व देर इज एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्री फ्यूगल फोर्स और सेंट्री फ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से ये हमारी ट्रेन को आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने की कोशिश करेगा अब हमारी ट्रेन जब आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो होगी तो उस टाइम पर क्या है कि पैसेंजर को डिसकंफर्ट होगा एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो हम क्या करते हैं इनर साइड में एक और रेल इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारी ट्रेन जो है वो अपनी पोजीशन पे रहे और किसी भी केस में डी रेलमेंट ना हो ठीक है जैसे डी रेलमेंट की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं ना अभी आपने सुना था ना छह महीना पहले जून के मंथ में बालासोर में जो एक्सीडेंट हो गया था तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हालांकि वो उसका कॉज अलग था ठीक बट वट आई एम टेलिंग की डी जो है वो नहीं होना चाहिए और इसलिए हम ये चेक रेल जो है वो प्रोवाइड करके रखते हैं ठीक है चलिए तो अब हम लोग यहां पर ऑप्शंस में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है आंसर आपका इसके केस में होगा प्रोटेक्शन फॉर डी रेलमेंट नॉट द फंक्शन का है तो ये तो इसका है प्रोटेक्शन फॉर इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ रेलवे टेक नहीं इंटरलॉकिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है ना तो ये ही फंक्शन मुझे नहीं लग रहा बाकी पर आए प्रोटेक्शन फॉर फ्लेंजेस फ्रॉम एक्सेसिव वियर ये बात बिल्कुल सही है देखिए क्या होगा ना कि जब ये आउटर डायरेक्शन में थ्रो होगा तो यहाँ के जो फ्लेंजेस हैं, फ्लेंजेस मतलब इसके ऊपर का पार्ट ठीक है उसके वियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आने के चांस बहुत ज्यादा है तो उससे भी ये इसे रोकता है आउटर और इनर रेल दोनों को ठीक है तो ये भी इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव वियर ऑफ रेल ये भी मैंने बता दिया ये भी फंक्शन जो है वो इसके केस में होगा ही होगा ठीक है सो सो दैट इज इज गोइंग टू बी द द आंसर इन दिस दिस पर्टिकुलर कंडीशन नॉट फंक्शन एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली ठीक है चलिए उसके पहले कमेंट में काफी सारी चीजें मुझे आ, सुनने देखने को मिल रही है मैं उन पर थोड़ा आता हूं फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करूंगा टिल देन जिनको लगता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए चलिए गणेश क्या कह रहे हैं सर से पीडब्ल्यू जेई में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये चीज़ मैं चार बार बता चुका हूं। है? आ, क्या हो अच्छा जी चलिए आते हैं आपकी बात पे सी ए का सोलह डेट को पेपर पैटर्न का वीडियो होगा क्या पेपर पैटर्न का वीडियो हाँ होगा ना कर देंगे उसमें क्या है जब होगा पेपर तो करेंगे सर कल अपन पीडब्ल्यू डी जेई बैच में रिवीजन सेशन है क्या नाइन एम से आ, नहीं नहीं संकेत रिवीजन सेशन नहीं है कल कल तो मैराथन सेशन होगा है ना चलिए तो ये एक एजे वन फोर थ्री है ना वन फोर थ्री का मतलब क्या है भाई हाँ क्या कहना चाहते हो वन फोर थ्री से हाँ पब्लिकली <laughs> चलिए देखिए तो देखो क्या है कि मेन जब मटेरियल तो, हाँ तो क्या है कि जितनी स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी होती है तो इसका ब्रिटल फेलियर देखने को मिलेगा नहीं हमको देखिए एग्जैक्ट ब्रिटल फेलियर देखने को मिलता है ब्रिक का या कॉन्क्रीट का पीसीसी का जो हमारे मटेरियल होते हैं हम कहते हैं कि उसकी ब्रिटलनेस बढ़ रही है बट उसका फेलियर ऐसा नहीं होगा कि सडन ब्रेक हो गया ठीक है तो क्या है कि इसकी ब्रिटलनेस बढ़ेगी बट जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो मिलेगी अब आप कह रहे हैं टाइम पीरियड क्या होगा तो देखो टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं होता ठीक है ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता टाइम पीरियड जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ठीक है आपका कोई रेलवे ट्रैक श्री गंगानगर राजस्थान में है या चंद्रपुर महाराष्ट्र में है ठीक है या फिर कोई रेलवे ट्रैक सियाचीन में है ठीक है सब एक ही जगह पे रेल अलग अलग फंक्शन करेगी ठीक है मुंबई में कोई ट्रैक है वो अलग फंक्शन करेगा यहां ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चंद्रपुर में टेम्परेचर बहुत जा रहा है वो चैलेंज है हिमाचल प्रदेश में कोई रेलवे ट्रैक है ठंड बहुत पड़ रही तो ऐसे हम कोई फिक्स नहीं बता सकते ठीक है तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा ठीक है चलिए फिश प्लेट का फंक्शन क्या होता है तो देखिए क्या है मान लीजिए हमारे पास दो रेल है ठीक है ये एक रेल है और ये क्रेल है तो इनके बीच में क्या है हम लोग गैप रखते हैं ठीक है मैं इसका थोड़ा साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूं और इनके बीच में हम लोग एक प्लेट लगा देते हैं ठीक है इस प्लेट को कहा जाता है दैट इज द फिश प्लेट तो हम लोग यहां पर फिश प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं अब ये जो फ्लिश प्लेट होती है इसमें यहां पे लगा देते हैं बोल्ट ठीक है बोल्ट लगा देते हैं रिवेट तो मेन फंक्शन ऑफ़ फिश प्लेट क्या है टू अलाउ रेल टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली टू ज्वाइन टू रेल्स टूगेदर यही दिख रहा है और ए भी इसका आंसर नहीं है जैसे मैंने फंक्शन बताया तो ये जो मैंने रेड कलर से आपको प्लेट दिखा रखी यही कहलाती हमारी फिश प्लेट है ना मछली वाली प्लेट ठीक <laughs> है चलिए और क्या कह रहे हैं विराज मेट्रो में कौन सा गेज ब्रॉड गेज ब्रॉड ब्रॉड ही है सब है ना चलिए तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच चलो थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज है ना चलिए तो इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं क्योंकि स्टैटिक डेटा वाला क्वेश्चन है 95 mm का जो है वो आ, होता है थ्रो ऑफ उसके पहले आप अंडरस्टैंड करिए थ्रो ऑफ स्विच होता क्या है बेसिकली देखिए क्या होता है जैसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक होता है मान लीजिए कि कंडीशन समझिएगा ठीक है देखिए मान लीजिए कोई रेल जो है ना वो स्ट्रेट ऐसे जा रही है लेकिन क्या है अब हम चाहते हैं कि इस ट्रेन को जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना है ना ये स्ट्रेट डायरेक्शन है और ट्रेन को जो है वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करना है तो क्या होता है कि यहां पर हम लोग ना इनको ऐसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं ठीक है कुछ ऐसे पहले से थोड़ा सा डिवाइडेशन जो है है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। काफी सारे यहां सब लगा दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ऐसे इनका फॉर्मेशन जो है वो हम लोग करते हैं यहां पे अब क्या होता है कि यहां पर जो आपकी मेन रेल होती है ठीक है जो मेन रेल आपको देखने को मिलती है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है

ठीक है और ये जो डिस्टेंस है हमको 95 फाइव mm जो है वो देखने को मिलती है ठीक है सो so, इसे आप लोग यहां पर याद रखिएगा ओके सर इमेज शो करो पॉसिबल हो तो माइंड <laughs> में फिक्स हो जाएगा चलो चलिए देखता हूं इसमें यदि बोर्ड में इंटरनेट कनेक्टेड हो सो आई विल शो यू थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है लेट मी चेक चलो यहाँ नेट तो कनेक्टेड है आई विल टेक द हेल्प ऑफ गूगल इफ यू हैव नॉट गॉट इट थ्रू द डायग्राम ठीक है चलिए तो देखिए यहां पे थ्रो ऑफ स्विच के बारे में बात कर लेते हैं चलिए देखिए थ्रो ऑफ स्विच इन रेलवे है ना देखो डायग्राम को आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है इस डायग्राम को है ना तो ये देखिए ये ये आप देखिए ये जो टंग रेल है ना ये टंग रेल तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो टंग रेल है इसके टो को मतलब इसके बॉटम पोर्शन को कितना डिस्टेंस पे आप मूव कर सकते हो ठीक है कितना डिस्टेंस में मूव कर सकते हो तो जैसे ये स्ट्रेट जा रहा था तो यहां से कितना मूव कर सकते हो ठीक है तो ये वाली डिस्टेंस इसके बारे में बात की जा रही ठीक है थेके? इस डिस्टेंस के बारे में तो वो आप कितना यहां पर मूव कर सकते हैं टो ऑफ सिच होता है हील ऑफ सिच होता है ठीक है और थ्रो ऑफ सिच तो ये कितना आप मूव कर सकते हो ये आपसे पूछा जा रहा है तो दैट मूवमेंट यू कैन प्रोवाइड विद द नाइनटी फाइव एम ठीक है क्लियर हो गई ये बात है ना ये बात है बिल्कुल करेक्ट तो मैक् मिनिमम जो है नाइनटी फाइव एम एम आप इसको दे सकते हैं ओके गॉट द पॉइंट है ना डायग्राम भी आपको यहां पर शो कर दिया है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉटम विथ ऑफ फुट इन फ्लैट फुटेड रेल इज है ना चलिए तो

इसकी वेट कितनी होती है? ठीक है ठीक तो ये जो है आपका 13.6 सेंटीमीटर जैसे एमएम mm में यहां इन्होंने लिखा है तो 136 थर्टी mm जो है वो हमको देखने को मिल जाता है इसका ये जो टॉप पोर्शन होता है ठीक है ये 6.67 सेंटीमीटर होता है ठीक है तो इसके फ्लेंज की हाइट याद रखिएगा 6.67 होती है और फुट की हाइट याद रखिए 13.6 सेंटीमीटर होती है और टोटल जो हाइट होती है 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 इसकी इसकी ठीक ये 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 टोटल ये ये टोटल हाइट हाइट 14.29 सेंटीमीटर जो हमको देखने को मिलती है ये तीन चीज याद रखिए वैसे तो इसके फ्लेंज का भी डायमेंशन होता है ठीक है इस वेब का भी डायमेंशन अलग हमको देखने को मिलता है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू ये जो है आपका फोर सेंटीमीटर होता है और ये याद रखिए थर्टी 13.6 सेंटीमीटर 6.67 सेंटीमीटर 14.29 सेंटीमीटर और ये वाला जो पोर्शन है ठीक है दिस वन इट इज 1.39 सेंटीमीटर जो है वो देखने को हमें यहां से मिल जाता है ठीक है तो इतना डेटा जो है याद रखिए तो कोई भी आपसे पूछा जाए कि भाई इसका मतलब फ्लैट फुटेड का बॉटम का तो इन्होंने फुट के बारे में पूछा है फ्लेंज की विथ पूछे तो 6.67 या 66.7 mm के टर्म में हम कह सकते हैं ये 4.37 टोटल हाइट 14.29 क्योंकि यही जो रेल्स है वो आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ना टेल मी इन द कमेंट बॉक्स स्लीपर डेंसिटी नॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडिया रेलवे तो आप ये अंडरस्टैंड करो स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है ठीक है इज मीन बाय द स्लीपर डेंसिटी स्लीपर डेंसिटी का मतलब ये होता है जैसे देखिए क्या है जैसे हमारी रेल है ठीक है टॉप व्यू मैं यहां पे पर देखू तो हमारी रेल है मान लीजिए एक रेल है एक रेल की जो लेंथ है ना एक रेल की जो लेंथ है वो होती है 12.89 मीटर्स ठीक है और ये होती है किसके लिए ब्रॉड गेज के लिए ठीक है 12.89 मीटर ब्रॉड गेज के लिए मीटर गेज के लिए होती है 11.89 जनरली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कभी में भी लिखा हुआ, है, अब दोनों है तो फिर इसके साथ अब देखो क्या है कि मान लीजिए एक रेल है मेरी थर्टीन मीटर की तो इस रेल में एक रेल में कितने स्लीपर होना चाहिए ये चीज स्लीपर डेंसिटी कहलाती है ठीक है हाउ मेनी नंबर ऑफ रेल शुड बी देयर हाउ मेनी नंबर ऑफ रेल शुड बी देयर इन अ

ठीक है है रेल लेंथ आपकी थर्टीन तो यहां पर वैल्यू हो गई थर्टीन प्लस वन से लेकर के थर्टीन प्लस सेवन मतलब कितना फोर्टीन से लेकर के ट्वेंटी तक आप नंबर ऑफ स्लीपर जो है वो एक रेल लेंथ में आप यूज कर सकते हो अब आपके ऊपर है कि आप कितना यूज करो मैं इसकी एब्सोल्यूटली करेक्ट वैल्यू आपको बताऊं ना तो वैसे तो ये एम प्लस थ्री से लेकर के एम प्लस सेवन होता है बट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इस तरीके से भी आप एम प्लस वन टू एम प्लस सेवन को आंसर कर सकते हो ठीक है थोड़े एग्जाम में ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारी जगह ठीक है

चलिए तो इंडियन रेलवेज में ये हम अडॉप्ट करके चलते हैं लेस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एट अ अट एंड रेल्स आर कनेक्टेड विद पेयर ऑफ फिश प्लेट तो देखिए ये यहां पर हमको कुछ ऐसे जो है रेल uh, वगैरह uh, देखने को मिलेगी ठीक है इनके बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है जिसको हम लोग एक्सपांशन जॉइंट कहते हैं ठीक है एक्सपांशन जॉइंट हमारे रिजिड पेवमेंट में भी होता है हाईवे में ठीक है अब यहां पे आपने फिश प्लेट लगा दी तो इसमें क्या है ये बोल्ट लगाओगे या रिवेट लगाओगे ठीक है तो एटंट एंड कनेक्टेड फिश प्लेट देखो मिनिमम मिनिमम चार फिश बोल्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं ठीक है थीके? उससे ज्यादा भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं ठीक है फिर वो कंडीशनली है बट मिनिमम चार फिश बोल्ट तो आप यहां पे लगाकर चलिए ही चलिए ठीक है थीके? मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था है ना

तो डिवाइडेड बाई टू तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 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 वो आंसर मिल जाता ठीक है, है? क्लियर हो गई बात चली, अच्छी बात है इस क्वेश्चन का आंसर काफी सारे लोगों को पता है आप में से है ना तो चलिए आई होप आप लोग चीजों को ध्यान से सुन और समझ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो घुसेगा ही दिमाग में है ना ऐसा नहीं कि सब ब्लैंक चलो इसका आंसर बता दो मुझे यार कमेंट में रेल्स इन गेज ठीक है याद रखना, में ये सबसे इसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया ठीक है चलो बलास्ट इज यूज इन रेलवे सेक्शन टू सर्व एज ठीक है बलास्ट क्यों यूज किया जाता है बहुत बार बात हो चुकी है फाउंडेशन ऑफ द रेल ट्रैक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल नहीं भाई एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए तो उसको पहले ही एम्बैंकमेंट उठा करके बनाते हैं तो आ गया आपका है ना यंगर ब्रदर ऑफ ऑप्शन ऑल ऑफ दी बोथ ठीक है तो ए एंड बी बोथ आ चुका है आपकी मदद के लिए तैयार है ए एंड बी ओके चलिए फॉर स्लीपर डेंसिटी ऑफ एन प्लस फाइव इस पे बेस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने ना सुन लो ध्यान से नहीं पता है तो है ना एक बार अभी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आ चुका है ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक फॉर अफ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका एक रेल ट्रैक है ठीक है ऐसे और इसकी लेंथ जो है ना इस रेल ट्रैक की ये टोटल इस रेल ट्रैक की लेंथ है दैट इज सिक्स फिफ्टी मीटर ठीक है ध्यान से समझना सिक्स फिफ्टी मीटर जो है वो टोटल रेल की लेंथ है ठीक है आपसे पूछा जा रहा है सिक्स फिफ्टी मीटर में कितने ब्लास्ट कितने स्लीपर यूज करोगे ठीक है सिक्स फिफ्टी मीटर में कितने स्लीपर यूज करोगे तो सिक्स फिफ्टी मीटर में आपको कितने स्लीपर यहां पर यूज करना है है यह आपसे आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो मैंने क्या कहा था कि आप स्लीपर डेंसिटी एम प्लस वन से लेकर के एम प्लस सेवन या स्टैंडर्ड एम प्लस थ्री से लेकर के एम प्लस सेवन तक जा सकते हो इन्होंने कहा है कि एम प्लस फाइव यूज करो इसका मतलब क्या है कि एक रेल जो है उसमें एम प्लस फाइव स्लीपर लगाओ मतलब जैसे आपकी रेल है एक रेल की लेंथ है थर्टीन और फाइव तो एक रेल में अठारह स्लीपर ठीक है तो एक रेल में अठारह स्लीपर तो सिक्स फिफ्टी में कितने तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सिक्स फिफ्टी मीटर में नंबर ऑफ रेल्स कितनी होगी ठीक है तो यहां से हम इसे फाइंड आउट करेंगे सो दैट इज नंबर ऑफ रेल्स ठीक है नंबर ऑफ रेल्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ ठीक है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय सिंगल रेल लेंथ ठीक है सिंगल रेल लेंथ तो सिंगल रेल लेंथ जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी तो टोटल रेल ठीक है क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है ब्रॉड गेज ठीक है तो ब्रॉड गेज तो थर्टीन ही होता है तो ये कितना हो गया थर्टीन फाइव uh, हो जाएगा ना थर्टीन फाइव इज 65 तो ये हो गया 50 ठीक है तो 50 रेल है, है ना 50 रेल्स तो एक रेल में कितने 18। तो 50 रेल में कितना भाई ये तो बचपन वाली बात हो गई है ना कुछ नहीं है तो एक रेल में 18, तो 15 में कितने 15 मल्टीप्लाइड बाई एटीन तो कितना हो गया 90 100 कहां गया भाई 900 ये आ गया ठीक है ऑप्शन सी इज योर आंसर चलो बहुत बढ़िया ये न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है अभी से बता देता हूं ठीक है तीन तरीके के चार तरीके के न्यूमेरिकल रेलवे से एक्सपेक्टेड है ठीक है एक ग्रेड कंपनसेशन का डिग्री ऑफ कर वाला जो बताया था उस पर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा एक इक्विलिब्रियम पे आ सकता है एक स्लीपर डेंसिटी पे आ सकता है और एक क्वेश्चन बन सकता है आपका दैट इज डिग्री पे डिग्री और रेडियस ऑफ द कर पे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया काफी सारे लोगों ने आंसर जो है वो इसका बताया ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ ब्रॉड गेज रूट विथ एन प्लस सेवन स्लीपर डेंसिटी द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर लेंथ इज ठीक है चलो तो बता दो भाई ब्रॉड गेज में कितना होगा थर्टीन प्लस सेवन है तो थर्टीन प्लस सेवन ठीक है ये क्वेश्चन बाप क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया ठीक है तो थर्टीन प्लस सेवन मतलब कितना ब्रॉड गेज में एक रेल लेंथ की कितनी थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन इज इक्वल टू कितना ट्वेंटी ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी द नंबर ऑफ सीपल पर लेंथ इज ट्वेंटी ठीक है तो ये तो आप सभी से अब बन ही जाएगा ठीक है कुछ नहीं रखा है इसका बड़ा वाला वर्जन हमने अटेंड डोन्ट बॉर्डर ठीक है, है? चलिए और भी है, भी हैं एयरपोर्ट के क्वेश्चन आएंगे अभी ठीक ठीक है है डोंट बट एक और सेशन जो मेरा डला हुआ है टीपीए के टाइम पे मैंने किया था उसको भी जरूर देख लेना ठीक है उसमें भी कुछ अलग क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है उसे भी जरूर देखिएगा वियर ऑफ रेल इज मैक्सिमम इन ठीक है कहां पे सबसे ज्यादा होता है तो याद रखो कर पे सबसे ज्यादा होता है क्योंकि कर पे क्या होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं ठीक है, है? हाईवे इंजीनियरिंग में भी तो सबसे ज्यादा टफ डिजाइन कहाँ पे होती कर पर ही होती क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है तो सुपर एलिवेशन एक्स्ट्रा वाइडनिंग रेडियस सब कुछ बनाना पड़ता है भाई वहां पे है ना बहुत मेहनत लगती है वहां पे ठीक है ये बात है तो ऐसे ही यहां पर भी है ठीक है

ठीक है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 18 19 तक देखने को मिले बट एज ऑफ नाउ ऑप्शन के हिसाब से 16 जोन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं ठीक है सर आपके पीसीएमसी के हाईवे सब्जेक्ट का सेशन का क्वेश्चन सेंट्रल वेयर हाउस के एग्जाम में पूछा गया था अच्छा चलिए बढ़िया मैं बता रहा ना आपको हम लोगों ने जितने एमसीक्यू सेशन अभी स्टार्टिंग से किए हुए हैं ना उनको आप देखो तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आते हैं कि सर मैंने आपके सारे यूट्यूब के एमसीक्यू सेशन देख रखे हैं एमईएस के और भी बहुत सारे मार्ल्यू आर डी काफी सेशन जो हम लोगों ने किए हुए हैं ठीक है एस पर एग्जाम चीजें चलती रहती हैं uh, कई जगह पे ऐसा होता है कि डेली डेली एमसीक्यू सेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं ठीक है लेकिन क्या है कि ऐसे कम सेशन रखते हैं तो क्वालिटी निकल के आती है ठीक है नहीं तो बहुत अननेसेसरी डेटा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल स्लीपर डेंसिटी इसके बारे में पचास बार चार बार बात हो चुकी नंबर ऑफ स्लीपर फॉर टू ट्रैक्स नहीं नंबर ऑफ ऑफ स्लीपर स्लीपर पर लेंथ ये इसका आंसर यहां पे हो जाएगा ऑन द द साइड रेल जॉइंट बिल्कुल नहीं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग स्लीपर बिल्कुल नहीं है बहुत बार बात हो चुकी है ठीक है हाँ जी टीपीए में भी आए हुए थे क्वेश्चन वगैरह काफी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जब तक लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर ओके ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीक्यू सेशन देख के सिर्फ एमएच एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती सेंट्रल लेवल की भी हो जाती ठीक है रेलवे हर जगह सेम होता है, है ना चलो सेकेंड में चाहिए सुपर एलिवेशन कांट या बैंकिंग कितनी होनी चाहिए तो याद रखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डी 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 की झड़ी आप लोगों ने जो लगाई है ठीक है तो ये जो डी की झड़ी है ना ये आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती यहाँ पे ठीक है तो एक चीज जो है थोड़ा सा आपको नुकसान यहां पर पहुंचा सकती है है ना? तो एक चीज तो बता दू डी आंसर, आंसर गलत है देखो यही तो बात है ठीक है जब ये फॉर्मूला होता है जीवी स्क्वायर अपॉन वन ट्वेंटी सेवन आर तो यहां पर वेलोसिटी जो है ना वो किलोमीटर पर आर में होती है रेडियस मीटर में होती है और ये मीटर में होता है यही फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं जीवी स्क्वायर अपॉन आर तो ये जो फॉर यहां पे ये मीटर में होगा ये मीटर पर सेकेंड में होगा और ये मीटर में होगा याद रखो ठीक है और इसने क्या कहा है इसको वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं यही सीखने के लिए आप यहां पे बैठे हो डोंट बॉर्डर ठीक है <laughs> तो आ, ये चीज याद रखिए ठीक है डोट बॉर्डर है ना चलिए कोई दिक्कत नहीं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है ठीक है है जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था बेटर है कि मैं इस क्वेश्चन को बस एक बार बता दूं तो यहां पे कहा गया है कि 640 मीटर लंबा रेल ट्रैक है और उसमें 12.8 मीटर जो है वो रेल की लेंथ है है ऐसा स्पेसिफाई कर दे तो उसी को लेना है, नहीं स्पेसिफाई करे तो 13 वैल्यू से प्रोसीड करना है इसमें भी अप्रोसीमेशन 13 लेके चल सकते हो ठीक है अप्रोक्सीमेट आंसर आ ही जाएगा आपका थोड़ा आंसर ज्यादा आएगा फाइनल वैल्यू को कम कर लेना ठीक है तो जैसे वहां पे आंसर आया था नाइन हंड्रेड के अप्रोक्सी आएगा है ना वहां पे भी आंसर ऐसे ही कुछ हमारा आया था है ना दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस कंडीशन ठीक है तो ये निकल जाएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करवाया था ठीक है तो इसके जैसे ही है ये सेम ठीक है तो लेट्स मूव टू तो द नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रेस्क्राइब ऑन इंडियन रेलवे एक बात याद रखो एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट कंपोजिट स्लीपर स्लीपर इंडेक्स इंडेक्स जो होता है, ये define होता है है ये डिफाइन वुडन स्लीपर्स के लिए ठीक है देखिए क्या है पहले ना वुडन स्लीपर ही यूज होते थे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वुडन स्लीपर ही इंट्रोड्यूस किया था लेकिन फिर क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा पेड़ कटने लग गए तो फिर आयरन uh, के स्लीपर आए आयरन में बहुत सारे टाइप आए ठीक है सी एस टी नाइन और काफी सारे हाई कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील ऐसे बहुत सारे आए फिर इसके बाद आपका पीसीसी uh, आया आरसीसी आया आज की डेट में पीएससी यूज होता है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर ठीक है तो ये आज यहाँ पर uh, जो है वो आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं ठीक है चलिए तो अब हम अपने आंसर पर आते हैं तो याद रखिएगा कि सी uh, एस जो कम सी uh, नहीं, नहीं सॉरी एक मिनट यहाँ पे क्या पूछा गया

विषय संकेत जी को यह पता था चलिए बढ़िया बात है क्रीप ऑफ रेल्स विल बी मोर इफ है ना चलो वही क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा अलग है ठीक है देखो विनोद कैसे चीजों को घुमाया जाएगा ठीक है चलो तो विनोद के साथ चीजों को घूमते ना हुए आंसर करने की कोशिश करेंगे ठीक है डबल लाइन आर प्रोवाइडेड सेपरेटली फॉर अप एंड डाउन ट्रैफिक स्टीम लोकोमोटिव्स आर यूज्ड देयर आर मोर एक्सप्रेस ट्रेन्स इन द सिस्टम अच्छा वुडन स्लीपर्स आर रिप्लेस्ड बाय स्टील स्लीपर ओके है ना तो इट इज सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट है ना बट इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन देने की कोशिश करी कलर्स नहीं है यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पे ठीक है तो देखो क्या है क्या है ना करीब का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में जब मूवमेंट होने लगे ना देखो आजकल क्या होता है अप एंड डाउन के लिए अलग अलग ट्रैक बनते हैं है ना देखिए मुंबई से जो ट्रेनें बिहार या यूपी या दिल्ली वगैरह कहीं तरफ तरफ जाती है ना वो अप कहलाता है ठीक है और उधर से जो आती है वो डाउन ट्रैक कहलाता है तो हमारी कंट्री के हिसाब से तो क्या है कि जैसे अप के लिए ये रूट बना दिया डाउन के लिए मुंबई से दिल्ली जाएंगी मुंबई से दिल्ली दिल्ली एक ही डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है।, मतलब है, तो है यहां से ट्रेनें मुंबई से चेन्नई जा रही है तो मुंबई से चेन्नई चेन्नई एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है अब क्या होगा कि इसका जो है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है तो यहां पर क्या होगा एक ही डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन चलता रहेगा मान लीजिए यहां पर मूवमेंट इधर भी होता और इधर भी होता तो क्या है डिफॉर्मेशन बैलेंस कर जाता ठीक है तो बात यह है कि क्रीप ऑफ रेल ज्यादा होगा जब डबल हम लोग प्रोवाइड करेंगे अप एंड डाउन ट्रैफिक के लिए स्टीम लोकोमोटिव से उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है स्टीम लोकोमोटिव से कोई मतलब नहीं है देर आर मोर एक्सप्रेस ट्रेन इन द सिस्टम इससे भी कोई रिलेशन नहीं है एक्सप्रेस ट्रेन यूज करोगे तो और ज्यादा ही होगा ठीक है उनकी तो स्पीड ज्यादा होती वुडन स्लीपर को रिप्लेस करना तो बिल्कुल चारा नहीं है वुडन स्लीपर तो देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं बल्कि लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती ये प्रॉब्लम है बाकी उनकी जो आ, लोड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो काफी अच्छी होती है है ना तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा ठीक है तो दैट इज द कंडीशन तो डबल लाइन प्रोवाइड सेपरेटली जब करोगे तो क्रीप सबसे ज्यादा होगा पहली बात ये याद रखिए बट देखिए क्या है आज की डेट में हर जगह डबल लाइन ही बनाने का काम चल रहा है ठीक है तो आज की डेट में ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुका है ना हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत है वन एक सौ चालीस करोड़ लोगों को हैंडल करना है और इन आ, सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट मोड पर यूज किया जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी कंट्री में वो रेलवे ही है फर्स्ट तो वैसे ही बस है

द ग्रेट कंपनसेशन ऑन फोर डिग्री ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक अभी बताया तो एक डिग्री में कितना तो चार डिग्री में कितना भाई तो जीरो पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है तो ये आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा तो आई डोंट थिंक दैट देर इज नीड टू टेल अबाउट क्वेश्चन तो आंसर ये यहां पे हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंड्स अपॉन मतलब वही चीज आ गई गेज ब्रॉड गेज बनाओगे मीटर गेज बनाओगे या नैरो गेज बनाओगे किस बात पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्लीपर एंड बलास्ट पॉइंट एंड क्रॉसिंग ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड रेल स्ट्रेंथ और रेनफॉल ठीक है तो देखिए याद रखिए कि आप जो है ना ट्रैफिक के बेसिस पर डिसाइड करोगे ठीक है मान लीजिए आपको डेली मुंबई ट्रैक बनाना है ठीक है वैसे ऑलरेडी बना हुआ तो पता है भाई बहुत ट्रैफिक है है ना मुंबई टू हावड़ा ठीक है मुंबई टू बिहार आ, मतलब कि बेगूसराय वगैरह है ना तो ये सब बहुत हाईएस्ट ट्रैफिक वाले रूट हैं ठीक है थीके? तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड करता है ठीक है चलिए अब बताना है क्रीप इन रेल कॉजेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट है ना तो यहां पर भी आपको नहीं वाले पर आंसर करना है ठीक है तो देख रहे हो विनोद कैसे इंग्लिश के फेर में आपको घुमाने की कोशिश की जा रही है अगेन ठीक है चलिए तो द बलास्ट इज फोर्ड आउट ऑफ द प्लेस ठीक है तो हम लोग क्रीप को कैसे कम कर सकते हैं ये आपसे जो है यहां पर पूछा गया है तो uh, क्रीप इन रेल कॉज कॉज इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो देखो बलास को आउट ऑफ द प्लेस फोर्स कर सकता है बिल्कुल कर सकता है रेल ज्वाइंट गेट डैमेज एंड प्रिवेंट एक्सपांशन ऑफ रेल ये भी हो सकता है द राइड बिकम्स बंपी एंड अनकंफर्टेबल मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल राइड हो सकती है बिल्कुल हो सकती है द गेज लेंथ रिमेन द सेम

ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मार्शलिंग यार्ड इन रेलवे सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ठीक है देखिए आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी रहेगा बट uh, uh, सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि बोले सर आपके ही भरोसे हैं तो आई एम आई वॉन्ट टू डिलीवर यू एज एज मच पॉसिबल फ्रॉम साइड ओके मार्शलिंग यार्ड इन रेलवे सिस्टम प्रोवाइड देखिए यार्ड क्या है ना इनके अलग अलग काम होते हैं जैसे कुछ यार्ड होते हैं जहां पे रिपेयर मेंटेनेंस काम होता है एक यार्ड है जहां पे पैसेंजर जहां पे जो लगेज है उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है कुछ ऐसे होते हैं जहां पर सर्विसिंग होती है

ठीक है मार्शलिंग यार्ड में रिसीविंग ब्रेकिंग अप रिफॉर्मिंग एंड डिस्पैचिंग ऑनवर्ड ऑफ ट्रेन होता है रिसीविंग लोडिंग अनलोडिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स, ठीक है एंड शेड्यूलिंग फर्दर फंक्शन ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर हैं डी नंबर में ठीक है इतने ज्यादा फंक्शन नहीं होते ठीक है, इतने फंक्शन जो है वो यहां पे हमको देखने को मिल जाते हैं तो सी इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस केस ठीक है तो हमेशा जो है मानता हूं कि लॉन्गेस्ट इज द आंसर बट नॉट ऑलवेज है ना लॉन्गेस्ट से थोड़ा कम वाला भी कभी आंसर हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका When two tracks of same or different gauges cross each other at any angle, the crossing provided is diamond crossing used की जाती। The first diamond crossing of India has been constructed constructed in Nagpur, ठीक है? तो Nagpur में जो है पहली crossing इन्होंने बनाकर रखी हुई थी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखेंगे, है ना? चलिए, next है track circuiting indicates track circuiting का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है ना आपको पता लगाना है कि train आ रही है

लेट्स लिसन फ्यू थिंग्स तो आपका जो सी ए का रिकॉर्डेड uh, बैच है और जेई का भी रिकॉर्डेड बैच जो है चलिए okay? अब आते हैं ब्रिज पे ठीक है बहुत ट्रेवल कर दिया छुक, छुक 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 रेल चली रेल चली भाई रेल चली है <laughs> ना तो रेल चल चुकी है है ना ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य पर पहुंच गई है है ना तो प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आने वाली गाड़ी ठीक है निकल चुकी है अपने प्लेटफॉर्म से और अपने प्लेटफॉर्म से निकल करके अब वो ब्रिज पर पहुंचने वाली है ब्रिज के बाद हम कोशिश करेंगे कि ट्रेन को छोड़ करके हम हवाई यात्रा पर निकलेंगे ठीक है तो हवाई यात्रा पर निकलने से पहले ब्रिज के दर्शन करने बड़े जरूरी हैं क्योंकि ब्रिज के ऊपर से तो जाना ही पड़ेगा है ना नदियों को भगवान का रूप माना गया है भारत देश में ठीक है और हम उनके पैर पड़ते हैं उनको मानते हैं चाहे वो नर्मदा हो गंगा हो यमुना हो गोदावरी हो कृष्णा हो कावेरी हो ठीक है ब्रह्मपुत्रा हो ठीक है तो नदियों को भगवान का स्वरूप माना गया है तो उन्हें इज्जत देकर के हम उनको ब्रिज के ऊपर से निकाल देते हैं नदी के अंदर से कुछ नहीं बनाते ठीक है नदी के ऐसे बिल्कुल धूम मचाले थोड़े ना करना है हमको ठीक है तो चलते हैं अब ब्रिज की तरफ और इसके बाद फिर हवाई यात्रा पे जाएंगे ठीक है तो नदियों का दर्शन करते हैं आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए तो ब्रिज इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना पानी से दो दो हाथ नहीं नहीं राधिका ट्रेन को हम रनवे पे नहीं चलाएंगे रनवे पर हम फ्लाइट ही चलाएंगे भाई ठीक है नहीं तो गड़बड़ गड़बड़ हो हो जाएगा है ना हो जाएगा सब कुछ एकदम चलिए तो चलते हैं ब्रिज की तरफ और ब्रिज इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अच्छा मैं कर लूंगा केबीसी ठीक है सानिका आप मेरा नाम प्रपोज कर दीजिएगा चलिए तो देखिए यहां पे फॉर अ ब्रिज हैविंग स्पैन मोर देन 150 मीटर

फॉर अ लॉन्ग स्पैन सच एज अब एट हंड्रेड मीटर एट हंड्रेड मीटर है सस्पेंशन ब्रिज केबल स्टेट ब्रिज ठीक है इन्हीं को प्रेफर किया जाता है ना तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा चलिए इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में टेल मी इट इन दमेंट बॉक्स थिंग्स नहीं तो कहोगे माई पेशेंस इज वेनिंग इज दिसम क्या है परमानेंट स्ट्रक्चर मीन फॉर द स्टोरेज ऑफ वॉटर नहीं देखो कॉफर डैम का सीधा सा मतलब यह है ना यहाँ पे आपका वॉटर लेवल है ठीक है और ये है आपका रिवर बेड ठीक है तो अब यहाँ पे मुझे पियर बनाना है ठीक है तो पियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ठीक है अब फाउंडेशन तो यहाँ पे तो पानी है है ना तो हमको क्या करना है हमें तो पानी निकालना है ठीक है तो पानी कैसे निकाले भाई पानी निकालने के लिए क्या करते हैं एक टेम्प्ररी हम यहाँ पे केसिन डाल देते हैं ठीक है और उससे क्या होता है कि इसको पूरा अंदर तक इंसर्ट कर देते हैं अब इसमें जो भी पानी रहता है तो क्या करते हैं पानी निकाल लेते हैं पानी आपने निकाल लिया व्हाइड स्पेस हो गया अब उसमें जल्दी से कॉन्क्रीटिंग जो है वो कर दो ठीक है आरसीसी लगाओ कॉन्क्रीटिंग करो आगे की प्रोसेस तो एक तरीके का टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बिल्ड करते हैं ठीक है तो ये बात आप याद रखिए कि जो कॉफर डैम होता है ये आपका एक टेम्प्ररी स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे हो जाता है अब बात यह कि सभी को ये तो पता है कि कॉफर डैम एक तरीके का टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है हमारा बट देखते हैं आंसर क्या होता है है इसके केस में सी और डी पर लग रहा है, आप लोग आंसर कर रहे हैं परमानेंट स्ट्रक्चर मीन फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस ड्रेन टू एक्ट एज अ चेक डैम बिल्कुल नहीं चेक डैम अलग चीज है टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बिल्ड टू रिजर्व वाटर इन साइड अरे भाई वाटर को रिजर्व करने के लिए थोड़े ना है पानी निकालने के लिए मैंने क्या कहा हमको तो पानी जो है वो हटाना है वहां से ठीक है टेम्परे स्ट्रक्चर बिल्ड टू रिजर्व वॉटर आउट साइड टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन ये चीज है ठीक है ये इन साइड वर्ड आ गया इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया ठीक है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर करने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे लोगों ने डी आंसर दिया दैट इज एप्सोल्यूटली राइट ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आई आर सी क्लास ए एंड बी लोडिंग चलो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है यदि आया क्वेश्चन ब्रिज से तो यहां से पूछ सकते हैं इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन बी प्लस एल ठीक है ए और बी दो कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू डिफर करती है एस पर RCC ब्रिज एंड स्टील ब्रिज ठीक है RCC और स्टील ब्रिज के हिसाब से अलग-अलग वैल्यूज -अलग होती हैं L का मतलब होता है स्पान ठीक है ब्रिज का स्पान कितना है वो आपको गिवन है 45 मीटर है ठीक है तो जैसे हम यहां पर RCC ब्रिजेस के बारे में बात करें तो RCC के ब्रिजेस के लिए A और B की जो वैल्यू है वो हमारे लिए यहाँ पे डिफाइंड है तो आरसीसी ब्रिज के लिए ए होता है 4.5 होता है, और जो बी है इसकी value होती है सिक्स इंपैक्ट फैक्टर इन द केस ऑफ आरसीसी ब्रिज तो आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई है? तो ये मेरा इंपैक्ट फैक्टर है अब फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स और फोर्टी फाइव मीटर का स्पान ठीक है तो इसे आप लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी वन है ना तो ये कितना हो गया इसको ऐसे लिख सकते हो फोर्टी फाइव डिवाइडेड सकते हो इसको लिख सकते हो दैट इज डिवाइडेड है ना तो ये पांच से कैंसिल हो रहा है और ये बचा फोर है ना तो फाइव बाई थर्टी फोर अराउंड ये आ रहा है ठीक है अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से सॉल्व करिएगा ठीक है तो आपको इनमें से कोई भी आंसर जो है वो मिल जाएगा ठीक है तो जैसे थ्री uh, फोर्टी है तो एक तो जीरो पॉइंट जीरो आना ही है ठीक है तो यहाँ पे ए सी डी तो कैंसिल है ठीक है उसके बाद फाइव हंड्रेड तो ये इससे डायरेक्ट क्रॉस होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो ऐसे जो है अप्रोक्सीमेशन लेकर के आप इसको सॉल्व करके देखिएगा ठीक है सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर बाबर एंजो दास श्यामल दास छांछर जो है वो कह रहे हैं कि जीरो है ठीक है तो उनकी बात को भी देखिएगा अब देखो स्टील ब्रिज के लिए भी मैं इसकी वैल्यू जो है आपको बता देता हूं स्टील के जो ब्रिजेस होते हैं उसके लिए जो ए की वैल्यू होती है वो नाइन ली जाती है और जो बी की वैल्यू है ये यहां पे कंसीडर की जाती है दैट इज तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इंपैक्ट फैक्टर फॉर स्टील ब्रिजेस ठीक है तो ऐसे भी कई बार आपके ऑप्शन हो सकते हैं नाइन डिवाइडेड बाई थर्टीन पॉइंट फाइव प्लस एल ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना इसको ब्रिज के केस के में यार थोड़ा याद रखिएगा ठीक है पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन मुझे ऐसे चांसेस इसके लगते हैं ठीक है है तो ये चीज याद रखेंगे है ना स्टील के लिए मान लो यही वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आ रहा है ठीक है इसी को डेटा को यूज करके तो थोड़ा याद रखिएगा है ना ये एक इंपैक्ट फैक्टर वाला आ सकता है यदि पूछना चाहे तो ठीक है चलिए एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन द मिनिमम ग्रिप लेंथ ऑफ वेल फाउंडेशन इज ठीक है देखो क्या है सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो अंडरस्टैंड करनी देखिए क्या होता है यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्कोर 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 ठीक ठीक है स्कौर, 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 ठीक है है देखिए स्कोरिंग का मतलब क्या होता है ना कि जैसे वाटर जब फ्लो करता है ना तो वाटर जब अपनी स्पीड में होता है काफी ज्यादा तो फ्लो करते करते ये क्या होता है अपने साथ सिल्ट को आ, फ्लो करके ले आता है तो क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा तो उसके साथ सिल्ट भी जो है वो फ्लो हो जाती है तो ये जो सिल्ट है तो हम ये कहते हैं कि वाटर कितनी डेप्थ तक इसको इरोड कर सकता है इरोजन स्कोरिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इरोजन इन द वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है तो हम ये कहते हैं कि कितना स्कोरिंग कर सकता है वाटर जब बहुत ज्यादा स्पीड से है तो उसकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो सकती है ठीक है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए जब भी हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं ठीक है तो जैसे हमारा बेड है ठीक है ये जो हमारा बेड है तो इसका मान लीजिए स्कोरिंग लेवल यहां तक है वाटर का तो इससे नीचे ही बनाओगे भाई फाउंडेशन ठीक है बट मैटर कि कितना नीचे आपको बनाना है ठीक है कितना नीचे बनाना है तो हमें ये रिकमेंड किया गया है कि वन बाय थ्री बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल मान लीजिए स्कोरिंग यहां तक हो सकती है तो उसके भी नीचे आपको जाकर के बनाना है वन बाय थर्ड उसके बाद और ठीक है मतलब थर्टी परसेंट और इंक्रीज करो ठीक है ये बात है ठीक है तो ये थोड़ा स्टैटिक डेटा याद रखिएगा बट ये वेल फाउंडेशन के लिए वैलिड है हर फाउंडेशन के हिसाब से चीजें डिफर करती हैं ठीक है तो ये वेल फाउंडेशन के लिए डेटा जो है वो यहां पर वैलिड रहेगा ठीक है तो इसे आप लोग याद रखिएगा है ना वन बाय थ्री फॉर रोड एंड वन बाय टू फॉर रेलवे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट और क्या कह रहे हैं बाबा रेंशो दस इम्पैक्ट फैक्टर वाला क्वेश्चन एमपीएससी टू मेंस का था हाँ आ चुका है ये ईएससी में भी आ चुका है है ना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी चलिए एक्स्ट्रा डोज ब्रिजेस आर कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ठीक है तो आपको बताना है कि एक्स्ट्रा डोज ब्रिज जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन करते हैं तो केबल स्टेट ब्रिज विथ कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर केबल स्टेट ब्रिज का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया है बैंड्रावर्ली सीलिंग ठीक है बैंड्रावर्ली सीलिंग इसका एग्जाम्पल है Uh, लेकिन दैट इज नॉट कि यहाँ पे कन्वेंशनल बॉक्स गर्डर के साथ जो बनाते हैं उनको एक्स्ट्रा डोज कहते हैं मैंने सिर्फ केबल स्टेड ब्रिज का एग्जाम्पल बताया आपको ठीक है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा बाकी एक्स्ट्रा ब्रिजेस जो दैट इज द कम्बाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केबल स्टेड ठीक है तो ये जो ऐसे ब्रिजेस होते हैं ना आपके ठीक है इस तरीके से ठीक है ये जो आपके ब्रिजेस यहाँ पर होते हैं ठीक है लाइक like दिस ठीक है ऐसे तो ये सब आपके केबल स्टेड ब्रिजेस आते हैं ठीक है और सस्पेंशन ब्रिज मतलब कुछ ऐसा ठीक है लाइक दिस ऐसे ये आपके सस्पेंशन ब्रिज कहलाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ ब्रिज विद लार्ज स्पैन रिक्वायरिंग डी फाउंडेशन द सूटेबल टाइप ऑफ फाउंडेशन फॉर द पीआरएस है ना इसका आंसर तो आप लोग बिना मतलब uh, सोचे भी ऐसा आ, कर सकते हो ठीक है जितनी ज्यादा लार्ज डेप्थ जितना ज्यादा स्पान होता है ठीक है जितना ज्यादा डेप्थ होती है जितनी ज्यादा डेप्थ होगी जितना ज्यादा स्पान होगा उसके लिए वेल well फाउंडेशन ही हमेशा हम लोग प्रिफर करते हैं ठीक है वेल फाउंडेशन इज इन दिस दैट केस ठीक है, well है? चलिए सही है करेक्ट गैसिंग है ग्रिलेज फाउंडेशन यूज नहीं होता ग्रिलेज फाउंडेशन इज अ स्टील स्ट्रक्चर ठीक है ये थोड़ा यूज करेंगे ब्लॉक फाउंडेशन भी नहीं होता ओपन फाउंडेशन तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि डीप बहुत ज्यादा है ठीक है चलिए नेक्स्ट है सबमर्सिबल ब्रिज का मतलब क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ब्रिजेस होते हैं कि हमें पता होता है कि बारिश के टाइम पर ये डूब जाएंगे तो हम उसको उसी पर्पज के लिए बनाते हैं कि ठीक है जब फ्लड जब बहुत ज्यादा है तो डूब जाए कोई दिक्कत नहीं है हमें लेकिन जब फ्लड नहीं है उस टाइम पर ये अपनी जगह पर रहना चाहिए तो ये जो ब्रिज होते हैं ये सबमर्सिबल ब्रिज कहलाते हैं ठीक है तो यहां से असमर्सिबल ब्रिजिस डिजाइन शिप नहीं इसके लिए समर्सिबल uh, नहीं होते temporary bridge नहीं होते uh, temporary bridge कभी -कभार हो सकते हैं ऑप्शन में और जाते हैं टू बी सम्यूरिंग हाई फ्लडन करेक्ट है to create storage upstream, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये यहां पर आपका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी सी इन दिस कंडीशन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आई आर सी स्टैंडर्ड लोडिंग फॉर ब्रिज डिजाइन आर क्लास ए बी आए और 70 आर ठीक है इतना होता है तो क्लास ए बी आए 70 आर डी ऑप्शन मिल गया ए बी 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 कुछ नहीं होता ए बी बी ए बी ये नहीं होता ये बेटा ठीक है कैंसर ओके देखिए बी जो है ना बी क्लास बी लोडिंग जो है ना टेम्पररी ब्रिजेस को क्लास बी लोडिंग के लिए बनाते हैं बाकी रेलवे को जो है बनाते ए के लिए है बट ए ए और सेवेंटी आर के लिए चेक इसमें के, इसके केस में हम लोग लगाकर चलते हैं ठीक है ये बात याद रखेंगे सस्पेंशन ब्रिजेस आर सुटेबल फॉर लॉन्ग लॉन्ग स्पैन इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है एस पर आई आर सी स्पेसिफिकेशन द मिनिम सीमेंट कंटेंट इन द कॉन्क्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ कॉन्क्रीट की टेबल है ना हमारे पास माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम है ना तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के हिसाब से हम लोग के पास टेबल भी है ठीक है और उस टेबल में आपको अलग अलग सीमेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलते हैं लेकिन इसके केस में याद रखिएगा जो सीमेंट कंटेंट आपको यूज करना होता है दैट इज थ्री सिक्सटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है ये हम लोग सीमेंट कंटेंट यूज करते हैं ठीक है डिजाइन फर्ड फॉर अ कलवर्ट शुड बी प्रेफरेबली देखो क्या होता है ना मैंने शायद हाइड्रोलॉजी के सेशन में भी आपके बारे में बात किया था ना आपसे बात किया था ना भयंकर होता है एक होती भयंकर बाढ़ ठीक है और एक होती भयंकर से थोड़ा कम ठीक है तो जो भयंकर होती है उसके लिए बड़े स्ट्रक्चर को बनाते हैं और भयंकर से जो थोड़ा कम होता है जिसको हम एसपीएफ कहते हैं उसके लिए छोटे स्ट्रक्चर जैसे माइनर माइनर डैम्स ठीक है वीयर बराजेस ठीक है माइनर ब्रिजेस उनको बनाते हैं ठीक है कलवर्ट भी माइनर ब्रिज का ही एक तरीके से मतलब कलवर्ट तो और भी छोटी चीज है माइनर ब्रिज से तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लिए लार्ज ब्रिजेस बनेंगे ठीक है केबल स्टेट वगैरह ये सब और ऑप्टेन फ्रॉम से फ्लड ऑफ ईयर रिटर्न पीरियड ये बिल्कुल होगा हाइएस्ट ऑब्जर्व फ्लड के लिए नहीं उसके लिए मेजर होता है ठीक है ऑप्टेन फ्रॉम फ्लड फॉर्मूला नहीं उससे तो डिजाइन डिस्चार्ज निकाला जाता है फ्लड फॉर्मूले से ठीक है <laughs> तो ये चीज जो है वो यहाँ पे याद रखिए और बच्चे आ, भाग गए एक्चुअली वो सहन नहीं कर पाए ब्रिज को ना? मैंने कहा था भगवान के दर्शन करो बट उनसे नहीं हो पाया चलिए फॉर डिजाइनिंग रेलवे ब्रिजेस द लोड आई आर तो याद रखिए आईआरसी सेवनटी आर को जो है वो डिजाइनिंग के लिए रखा जाता है और क्लास ए ए के लिए चेकिंग लगाई जाती है तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट इज द आंसर इज द आंसर ठीक है तो लॉन्गेस्ट इज द आंसर इज द आंसर इन दिस केस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे आईआरसी क्लास बी लोडिंग इज इंटेटेड फॉर बताया था मैंने टेम्परे ब्रिजेस के लिए क्लास बी लोडिंग जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिजाइन करके चलते हैं ठीक है तो थोड़ा स्टैटिक डेटा है याद रखिए ठीक है हमारे पास चार तरीके की लोडिंग होती है क्लास ए ए जो है उसके लिए नेशनल हाईवे वगैरह भी जनरली एक्सप्रेस वेज वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है और चेक uh, भी किया जाता है उनके लिए ठीक है तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा टेम्प्रेरी ब्रिज मैंने आपको बताया था नेक्स्ट है फॉर अ ब्रिज डेक द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑलवेज ऑलवेज मिनट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है ठीक है ये थोड़ा सा वेरी करेगा ओके okay? देखिए क्या होता है यहां पे आपसे क्या कहा गया है डबल टी सेक्शन है ना डबल टी सेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से आपने डबल टी सेक्शन जो है वो यहाँ पर यूज किया हुआ है ठीक है तो इनको हम लोग ऐसे इकोनॉमिकल तो तो क्या है ठीक है विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इकोनॉमिकल ठीक है तो ये याद रखिए बॉक्स जो है इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है और इसलिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हमारे पास यहां पर हो जाता है ठीक है चलिए मतलब यहां पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो हर पॉइंट पे जीरो होता है ठीक है ईच एंड एवरी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है ठीक है तो परफेक्टली फ्लेक्सिबल रखने की हम कोशिश यहां पर करते हैं दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट थिंग फॉर अस ठीक है तो परफेक्टली फ्लेक्सिबल रख के डिजाइन जो है वो की जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट है इन अ ब्रिज अच आर द कंपोनेंट्स दिन का कंपोनेंट कौन सा है तो देखिए एब्यूटमेंट मतलब जैसे ये आपका ब्रिज है ठीक है ये यहाँ पे ब्रिज है और ये रिवर का बैंक है ठीक है, तो है ये आपके रिवर का बैंक है ठीक है तो ये रिवर बैंक है ये ब्रिज है अब यहां पर क्या होगा कि हम एक वॉल बनाते हैं जो कि रिवर बैंक से ब्रिज को कनेक्ट करती है ठीक है ऐसी एक वॉल यहां पे बनाते हैं इस वॉल का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है इस डायरेक्शन में इसको हम लोग विंग वॉल कहते हैं ठीक है और इसके पीछे का जो पोर्शन है ये बैक वॉल कहलाता है और इसके सामने का जो पोर्शन है ये ब्रेस्ट वॉल होती है ठीक है तो ब्रेस्ट वॉल 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 विंग बैक ये सभी इसका फंक्शन है ऑल ऑफ दी के साथ आप यहां पर जा सकते हो ठीक है ये चीज याद रखिए कौन सा ऑप्शन डी नहीं होगा कह रहे हो परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना एक्सटेंसिबल रखने से क्या है ना ऐसे फिर झूला बन जाएगा वो है ना तो वहां पे आपको झूला नहीं बनाना है ब्रिज को ठीक है एक्सटेंसिबल नहीं रखा जाता परफेक्टली फ्लेक्सिबल रखते हैं ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी का जो इंपैक्ट है वो धीरे होता है ठीक है चलिए द टाइप ऑफ बियरिंग यूज ऑन अ ब्रिज डिपेंड्स ऑन ठीक है देखो आप सभी को पता है कि जैसे हमारा गर्डर है ठीक है गर्डर है अब गर्डर के केस में मान लीजिए कि यहां पर हमने कुछ ऐसे फाउंडेशन बना दिया ठीक है ब्रिज का गर्डर है यहां पर आपने अगेन जो है वो ऐसे पियर जो है वो लगा दिया ठीक है ऐसे अब पियर और गर्डर के बीच में हम लोग एक एलिमेंट लगाते हैं इसे कहा जाता है बियरिंग ठीक है यहां पे ये यह होती है हमारी बियरिंग ठीक है तो ये जो बियरिंग आपको देखने को मिलती है यहां पे जो बियरिंग देखने को मिलती है ये क्या करती है बियरिंग का पर्पस ये होता है कि पहली बात तो ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को डिफरेंट करती है ठीक है तो ये करती है लोड भी कैरी करेगी टेम्परेचर वेरिएशन को भी टेक केयर करता है देखिए क्या होता है ना कि जैसे गर्डर है तो गर्डर क्या है ना मूव करता है वेहकल की मूवमेंट की वजह से अब क्या है कि उसके ऊपर बियरिंग नहीं रखेंगे और डायरेक्ट ही पियर पे रेस्ट करा देंगे तो उससे क्या होगा ना कि पियर इज अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर विच इज वेरी रिजिड एंड रिजिडिटी कैन नॉट टेक द मूवमेंट इजीली और इस वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं डिफॉर्मेशन आ सकते हैं इसलिए उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल मेंबर रखा जाता है जो मूवमेंट और ट्रांसलेशन अलाउ करता है और उसे हम लोग कहते हैं बियरिंग ठीक है तो बियरिंग का पर्पस क्या है इलास्टिक होती है बहुत ज्यादा ठीक है जैसे उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहां पे लोड कैरी करेगा टेम्परेचर वेरिएशन कैरी करेगा एक्सटेंड ऑफ मूवमेंट एट द ब्रिज एंड ये भी कैरी करेगा सो यू कैन गो विध हियर दैट इज डी ऑप्शन ठीक है चीज याद रखिए है ना फाइनल डेस्टिनेशन फाइव एक्सटेंसिबल केबल फाइनल डेस्टिनेशन में यूज होती है भैया एक्सटेंसिबल केबल है ना वहां तो कुछ भी हो जाता है है ना फाइनल डेस्टिनेशन की तो बात ही अलग है, है ना हो सकता है कि आप अभी जहां बैठे हो वहीं से कुछ हो जाए फाइनल डेस्टिनेशन ठीक है तो फाइनल डेस्टिनेशन कैन बी एनी थिंग ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द स्कोर वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वेलोसिटी विच कैन मूव पार्टिकल्स ऑफ बैड मटेरियल वेलोसिटी एट विच हाईवे ब्रिजेस इज लाइबल टू बी डैमेज चलो बता दो मैंने इसका आपको बताया हुआ है गिव मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलो भाई इसका आंसर बताइए यार कमेंट बॉक्स में टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अरे सब शुभ है यार हम तो मजाक करते रहते हैं क्यों चिंता करते हो आप देखो वो <laughs> मौत के बाद मतलब देखो जिंदगी में ना अच्छे काम करने हैं ठीक है नहीं तो फिर एक शेर अर्ज किया है वो आए हमारी कब्र में है ना वो आए हमारी कब्र में चल दिए वो आए हमारी कब्र में दिया बुझा कर चल दी दिए दीये में जितना तेल था सिर पर लगा कर चल दिए वाह वाह वो आए हमारी कब्र में दिया बुझा कर चल दिए दिए में जितना तेल था सिर पर लगा के चल दिए तो काम अच्छे करोगे ना तो लोग आपको सम्मान देंगे ठीक है आपके कब्र पे जो है वो फूल चढ़ा कर जाएंगे, ठीक है? अब आप कहोगे सर हिंदू धर्म में तो कब्र होती ही नहीं है ठीक है तो भाई ठीक है तुम्हारी इज्जत कर लेंगे बाद में ठीक है <laughs> ना तो ये थोड़ा एक शेर याद आ गया तो मैंने कहा चलो मार देते हैं इसे बीच में है ना तो देखो सेशन देखने आया हो ना तो सेशन आप लोग देखोगे ना तो ऐसी चीजें जो साइमल्टेनियसली चलती रहेगी है ना नहीं तो किसी की जिंदगी में ऐसा होता है सेशन लगा देते हैं यूट्यूब पे और कुछ और ही नीचे वीडियो जो है स्क्रॉलिंग चल रही है मिनिमाइज करके है ना तो उस कहा उसे उसके लिए कहावत होती है आए थे भजन को ओटन लगे कपास ठीक है मतलब कुछ काम करने आए थे और कुछ और ही कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा मत करना पढ़ाई करने जाते हो लाइब्रेरी में तो सिर्फ पढ़ाई की अगर नहीं तो बहुत सारे लोग तो लाइब्रेरी में चाय पीने में ही बिजी रहते हैं चार बार चाय पीते हैं वो और एक एक घंटे की चाय होती है तो चार घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं उनके <laughs> ठीक है <laughs> चलिए ओके okay. तो आंसर जैसे आप सभी ने कैन मूव द पार्टिकल्स ऑफ बैड मटेरियल ठीक है तो ये चीज यहां पर थोड़ा याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर अ कलवर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ अ क्रॉसिंग टोटल लेंथ ऑफ ऑफ नॉट बिटवीन द द फेसेस एब्यूटमेंट ठीक है देखिए मीटर तक के लिए ना कलवर्ट बहुत अच्छा होता है सिक्स मीटर से सिक्सटी मीटर के लिए ब्रिजेस बहुत अच्छे होते हैं जिसमें क्या है सिक्स मीटर से अब के लिए बेसिकली कहा जाए तो ब्रिजेस जो है वो हमारे लिए बनाना काफी यूजफुल हो जाता है ठीक है जिसमें से एक बात याद रखिएगा कि सिक्स से सिक्सटी सेंटीमीटर तक माइनर ब्रिजेस बनाना हमारे लिए प्रेफरेबल होता है और ग्रेटर देन मीटर के लिए हम लोग मेजर ब्रिजेस बनाते हैं ठीक है तो ये याद रखिए और सिक्स मीटर तक जो है वो कलवर्ड बना देते हैं ठीक है तो ए इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस कंडीशन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैशटैग इज लोडिंग अडॉप्टेड ऑन ऑल रोड्स विच परमानेंट ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड ठीक है तो कौन सी लोडिंग जो है वो अडॉप्ट की जाती है जिसके लिए परमानेंट ब्रिजेस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दैट इज क्लास ए ठीक है परमानेंट ब्रिजेस के लिए क्लास ए होता है ओके क्लास ए जो है ना वो मिलिट्री व्हीकल्स ट्रैक्ड व्हीकल जो होते हैं उनके लिए बनाया जाता है ठीक है स्टडी करते टाइम सब इजी लगता है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है हाँ वो चीज है यार मैं मानता हूं उस चीज को बिल्कुल होता है वही तो प्रैक्टिस करनी है आपको ठीक है तो ये बात याद रखिए

ये यहां पर मतलब ये रिवर का बैंक है ठीक है रिवर का बैंक है तो रिवर के बैंक में क्या होता है कि ये पोर्शन होता है ऐसे आपका ट्रसेस पार्ट होता है ट्रस्ट वाला है इस, इस तरीके से ठीक है और इसमें आप यहां पर कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर यहां पर बना देते हैं और इसके ऊपर से आपका जो है वो मतलब वेहकल एकल जाएंगे तो ये डेक ब्रिज कहलाता है ठीक है और यही चीज ऊपर हो जाती है जब पूरी असेंबली ठीक है ये जब पूरी असेंबली यहां पे ऊपर हो जाती है कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये थ्रो ब्रिज कहलाता है ठीक है ये थ्रो ब्रिज कहलाता है ठीक है तो ड्रैग ब्रिज में क्या होता है ना विंड वेलोसिटी का अब जैसे यहां पे आपके व्हीकल ट्रैवल करेंगे ठीक है ये व्हीकल ट्रैवल करेंगे तो विंड का इंपैक्ट पड़ेगा ना इनके ऊपर ठीक है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस पर विंड का इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है तो ट्रैफिक एक्सपोज टू विंड ये बात सही है द कंप्रेशन फ्लैच हैव नो नैचुरल सपोर्ट बाकी सारी चीजें यहाँ पे गलत है क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे विंड के वजह से हो सकता है कि आपकी जो नाव आपकी जो गाड़ी है वो नदी में चली जाए ठीक है और भगवान के दर्शन हो जाए तो वो करना नहीं चाहते हो

अनि प्रश्न इंग्लिश मधून ठीक है बोथ इज अवेलेबल तो चलिए चलते हैं हवाई यात्रा पे ठीक है और उसके पहले अर्ज किया है है ना चलो एक और शेर बोल रहे हो तो पढ़ ही देते हैं एक और शेर है ना हम क्या बनाने आए थे है ना हम क्या बनाने आए थे हम क्या बना बैठे हम क्या बनाने आए थे हम क्या बना बैठे कभी मंदिर तो कभी मस्जिद बना बैठे है ना हम क्या बनाने आए थे हम क्या बना बैठे कभी मंदिर तो कभी मस्जिद बना बैठे हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है है ना हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद में जा बैठे जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद में जा बैठे मजा आया कि नहीं बताइए <laughs> ओके चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रीशिएशन है ना तो ये है कि वी नीड अ गुड एटमोस्फियर इन अवर कंट्री ठीक है तो उसकी तरफ से ये था एक है ना ओके चलिए ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक और अब हवाई यात्रा पे चलते हैं और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ठीक है तो आप तो शायद निकले चलिए बहुत अच्छी बात है राजू थैंक यू फॉर दैट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का द एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट्स ठीक है द एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट आईसीएओ रिकमेंडेशन द क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड देखिए क्या होता है जैसे हाईवे की डिजाइन के लिए आईआरसी होता है है ना इंडियन रोड कांग्रेस ठीक है और आरसीसी स्टील में आई कोड होता है वैसे रेलवे के सॉरी uh, एयरपोर्ट की डिजाइन के लिए हमारे पास होते हैं दो रिकमेंडेशन एक होता है आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और एक होता है एफ ए ए फेडरल एविएशन एजेंसी एफ ए एफ ए जो है ना फा ये जो है ये यूएस का है ठीक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और आईसीए जो है ये इंटरनेशनल कोडल रिकमेंडेशन है देखिए क्या होता है आपको पता है कि हमारी कंट्री जो है ना मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो एयरक्राफ्ट से पूरा कनेक्टेड है तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि हमारे लिए इंटरनेशनल लॉज यहां पे वैलिड है ठीक है इसलिए हम लोग इसे फॉलो करते हैं

इस तरीके से फ्लाइट आपकी लैंड कर रही है अब लैंडिंग होती है और एक और चीज हमारी फ्लाइट करती है और वो चीज होती है टेक ऑफ करना ठीक है तो लैंडिंग करेगी और टेक ऑफ करेगी तो देखो फ्लाइट की जब लैंडिंग होती है जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट वर्ड में यूज करूंगा बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट वर्ड यूज किया गया तो देखो क्या होता है जब हमारी एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ करता है तो उस टाइम पर क्या है ना विंड जो है वो उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए उससे क्या है उसका मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है तो यहां पर यह कहा गया कि क्रॉस विंड कंपोनेंट कितना परमिसेबल है मतलब एक हद तक हमारी फ्लाइट क्रॉस विंड कंपोनेंट को बियर कर सकती है तो उसके केस में क्या है जो हमारे बिग एयरक्राफ्ट होते हैं वो 35 किलोमीटर पर आवर तक की क्रॉस कंपोनेंट को बियर कर सकते हैं ठीक है और जो स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं वो 15 किलोमीटर पर आर तक बियर कर सकते हैं और जो मीडियम होते हैं वो 25 किलोमीटर पर आवर तक बियर कर सकते हैं उससे ज्यादा विंड वेलोसिटी कहीं पर चल रही है तो हमारा जो पायलट है वो फिर लैंडिंग नहीं करेगा ठीक है वो फिर थोड़ी देर वेट करेगा तो वो हवा में ही बहुत देर घुमाते रहते हैं उनको लगता है अभी भी हवाएं जो है वो चलनी बंद नहीं हो रही है तो फिर वो क्या करेंगे वो फिर सिंपल सी बात है किसी और एयरपोर्ट से परमिशन मांगेंगे कि भाई वहां पे स्पेस दो हमें हमें लैंडिंग करानी है ठीक है तो कई बार इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है मान लीजिए दिल्ली टू पुणे फ्लाइट आ रही है बहुत हवाएं चल रही है बीच रास्ते में तो हो सकता है जयपुर लैंडिंग कर ले अहमदाबाद लैंडिंग कर ले ठीक है तो ऐसा सब चलता रहता है ठीक है तो विंड वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो क्रॉस विंड कंपोनेंट कहने का मतलब कि जब मेरी फ्लाइट इस तरीके से लैंडिंग या टेक ऑफ कर रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आने वाली हवाएं ठीक है ये चीज यहां पर हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहां पर तो इन नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन द एयरक्राफ्ट शुड कम टू स्टॉप विद इन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द लैंडिंग डिस्टेंस ठीक है चलिए थैंक यू राजू शायद आप भी लिखना चाहते थे तो, तो नहीं हो गया कोई बात नहीं चलिए इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स चलिए देखिए इन नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन द एयरक्राफ्ट शुड कम टू स्टॉप विद इन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस देखिए क्या होता है ना कि जितना भी आपका लैंडिंग के लिए हमने एयर मतलब आपको पोर्शन दिया है मान लीजिए आपको आ, टू किलोमीटर का पार्ट रनवे के लिए दिया है कि टू किलोमीटर पार्ट में आप जो है वो लैंडिंग करो तो बात यह है कि उसके सिक्सटी परसेंट पार्ट में ही आप स्टॉप पे आ जाओ मतलब जैसे ही आपकी फ्लाइट आ रही है ठीक है तो टू किलोमीटर का सिक्सटी कितना टू किलोमीटर का सिक्सटी होगा दैट इज दैट इज वन किलोमीटर ठीक है तो वन किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ही वो स्टॉप में आ जाए ठीक है और इतना जो है वो स्पेस अभी भी इसके लिए छूटा रहे ठीक है मतलब इमरजेंसी हो गई कुछ कभी स्लिपरी सरफेस हो जाता है तो एयरक्राफ्ट काफी आगज, आगे चला जाता है ना बारिश वगैरह के टाइम पे ठीक है तो याद रखिएगा सिक्सटी परसेंट ठीक है तो सिक्सटी परसेंट इन नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन द एयरक्राफ्ट शुड कम टू स्टॉप तो मान लीजिए आपने लैंडिंग ऑपरेशन यहां से स्टार्ट कर दिया ठीक है तो इतनी जगह पर आकर के रुक जाओ ठीक है इतनी जगह पर आकर के रुक जाओ ठीक है तो ये हमें यहां पर बताया गया है ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा ठीक है थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिएगा ठीक है लैंडिंग टेक ऑफ वगैरह जैसे जिन्होंने ट्रैवल किया हो तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है बट जिन्होंने नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियोस वगैरह थोड़े देख लो तो चीजें फील हो जाती हैं ठीक है महसूस करने लगोगे उस चीज को ऑल मार्किंग ऑन द रनवे आर याद रखिए वाइट होती marking, है मार्किंग ठीक है वाइट मार्किंग यूज की जाती है <coughs>

इंजन फेलियर क्लास नहीं विथ एंड लेंथ सेफ्टी एरिया हाउसिंग सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हाँ तो हाउसिंग सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का काम होता है हैंगर में फिर इसके बाद है आपका बेसिक रनवे लेंथ ठीक है तो बेसिक रनवे लेंथ किस बेसिस पे डिसाइड होती है तो याद रखिए इंजन का फेलियर के बेसिस पर हम लोग इसे डिसाइड करते हैं तो ये फोर और ये टू ठीक है तो वैसे आपका ए और बी क्लैश कर रहा है चलिए अब देखते हैं रनवे की कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी और रनवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब किसी भी चीज की विथ लेंथ, लेंथ हाइट इन सब चीजों का डिसीजन ठीक है तो विथ एंड लेंथ सेफ्टी एरिया ऑफ एयरपोर्ट ठीक है तो सी आपका वन के साथ यहां पे चला गया तो ए इज गोइंग टू बी योर आंसर ठीक है तो ये बात है है ना हाँ वही गराज प्लेन का गराज मतलब हैंगर ठीक है तो ये चीज है ना येलो ऑन टैक्सी वे बिल्कुल राजू येलो जो है वो टैक्सी वे में होता है व्हाइट जो है वो रनवे में होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी लोग बताइए यहां पर कमेंट बॉक्स में ठीक है अकॉर्डिंग टू आई एस यू आईसीए रिकमेंडेशन एज पर एलिवेशन ऑफ द लोकैलिटी चेंजेस द रेट एट विच मॉडिफाइड देखो रनवे की लेंथ को डिसाइड करने के तीन फैक्टर होते हैं एक होता है टेम्परेचर करेक्शन ग्रेडियंट करेक्शन और एलिवेशन करेक्शन ठीक है इन तीन करेक्शन के बेसिस पर हम लोग करते हैं एलिवेशन करेक्शन का मतलब क्या होता है यह जैसे यहां पर हाँ एलिवेशन के बारे में बात की गई तो देखो क्या होता है इंक्रीज एट द रेट ऑफ सेवन परसेंट पर थ्री हंड्रेड मीटर राइज इन द एलिवेशन अब एम एस एल देखो मैं इसका मतलब समझाता हूं देखिए क्या है मान लीजिए कि आपका जो एमएसएल है एमएसएल सभी को पता है मीन सी लेवल जो कि हम बॉम्बे हाई से मेजर करते हैं तो मान लीजिए आपका कोई किसी जगह का एमएसएल है दैट इज सिक्स हंड्रेड ठीक है 600 मीटर एमएसएल है तो यहां पे क्या हुआ कि 600 हंड्रेड एमएसएल के लिए आपने मान लीजिए कि 300 मीटर के एमएसएल के लिए आपने प्रोवाइड करके रखा था वन किलोमीटर का रनवे तो अब 300 मीटर और इंक्रीज कर गया तो इसकी लेंथ को सेवन परसेंट और इंक्रीज करो ठीक है 900 हंड्रेड एमएसएल होगा तो फोर्टीन परसेंट का इंक्रीमेंट करेंगे ये बात है ठीक है तो सेवन इंक्रीज एट द रेट ऑफ सेवन परसेंट पर थ्री हंड्रेड मीटर राइज इन द एलिवेशन ठीक है ये थोड़ा याद रखना यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है टेम्परेचर एलिवेशन करेक्शन इनके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ओके okay? काफी कॉमन क्वेश्चन भी है और आते भी हैं ये बार बार ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल इज द बेसिक लेंथ एट रन वे द टोटल स्ट्रिप विल बी याद रखो एल प्लस वन ट्वेंटी ठीक है टोटल लेंथ ऑफ रनवे स्ट्रिप वो एल प्लस वन ट्वेंटी यहां पर कंसिडरेशन में ली जाती है ठीक है देखो फॉर 600 मीटर कितना है तो 300 मीटर के लिए 7 परसेंट सिक्स हंड्रेड मीटर के लिए और 7 परसेंट इंक्रीज कर दो ठीक है हर 300 मीटर ठीक है पर 300 में 7 परसेंट नाइन है तो और 300 के लिए आप इंक्रीज कर दो ओके okay? ऐसे चलिए क्लियर हो गया धनश्री फॉर द टैक्सी वेज द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट इज ठीक है चलिए इसका आंसर आप बताएंगे कि टैक्सी वे के लिए मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना रखा जाता है ठीक है टैक्सी वे के लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना हम यहां पर रखते हैं ठीक है तो इसका आंसर आप लोग यहां पे बताएंगे बिफोर दैट मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि टैक्सी वे का मतलब क्या होता है ठीक है देखिए क्या है ना सर uh, एयरक्राफ्ट जहां लैंड होता है वहां का एलिवेशन एंड स्टॉप होने वाला एलिवेशन में

तो क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है यहां से होकर के और इसको जहां पे भी पार्क करना है चला जाएगा तो क्या होता है कि रनवे से कनेक्ट करने वाली रनवे से एयरपोर्ट की बिल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल ठीक है उसको कनेक्ट करने वाली जो रोड होती है उसको हम लोग टैक्सी वे कहते हैं उसमें एक और पर्पस होता है जैसे कि मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट यहां पर स्टॉप कर गया तो फिर जनरली जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर क्या होती है बसेस वगैरह आती है और वो बसेस आपको यहां से ले जाएंगी ठीक है वो बसेस में आप बैठेंगे और वो बस आपको एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग तक छोड़ेगी क्योंकि एयरपोर्ट के जो आ, मतलब टैक्सी वेज होते हैं ना मतलब एयरपोर्ट रनवे से एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की डिस्टेंसेस बहुत होती है ठीक है बेंगलोर दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट अहमदाबाद है ठीक है ऐसे ये सब बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट है ठीक है यहाँ पे डिस्टेंसेस काफी ज्यादा है तो ऐसे में बसेस वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं और भी बहुत सारे बड़े एयरपोर्ट है तो ये यहां से क्या है ना आपकी एयरक्राफ्ट से आपको उतार के और फिर एयरपोर्ट बिल्डिंग तक छोड़ा जाएगा ठीक है और वो एयरपोर्ट यही जो है आपका टैक्सी वे कहलाता है ठीक है तो आपसे कहा गया है कि टैक्सी वे के लिए मैक्सिमम लॉगेटल ग्रेडियंट कितना है ठीक है तो थ्री परसेंट परमिटेड है ये चीज यहां पे याद रखिएगा ठीक है काफी आ, कुछ लोगों को डेटा है जो है वो इसके बारे में पता है तो दैट इज गोइंग टू बी थ्री परसेंट ओके चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार इसको बड़े प्यार से डिस्कस करूंगा ठीक है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पर आप लोग आंसर कर सकते हैं ठीक है? तो है, है? है सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि जो एयरक्राफ्ट है ना वो बहुत कंफर्टेबल जर्नी होनी चाहिए है ना नहीं तो एक बात पता है ना कि बस का एक्सीडेंट हुआ ना तो हो सकता है कि कभी किसी को कुछ हो ही ना है ना या हो सकता है कि कभी जो है खरोच बसाए लोगों को या कोई इंजर्ड हो जाए है ना और लेकिन भाई एयरक्राफ्ट को कुछ हुआ ना तो पूरे ही निपटते हैं फिर सीधे ठीक ठीक है 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 तो तो बहुत मतलब चीज ये है, है? तो इसमें रिस्क नहीं रखा जाता ठीक है मतलब क्योंकि फिर वो अगेन बड़ी न्यूज बन जाती है ठीक है तो देखिए क्या होता है एयरपोर्ट के रनवे का ओरिएंटेशन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि आपके रनवे का इंक्लिनेशन क्या है है ना देखिए क्या होता है जैसे आपको पता है कि हमारे पास डायरेक्शन कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है और वेस्ट है अब आपका एयरपोर्ट का रनवे ऐसे बनाना है या फिर ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है या एयरपोर्ट का रनवे इस तरीके से बनाना है कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है वन टू थ्री फोर कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है तो बात यह है कि ओरिएंटेशन डिसाइड करें कैसे तो मैंने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं ठीक है तो वो है हवाएं ठीक है तो हवाएं है ना ना गाना सुने हो हवाएं तो ना जाने कहा ले चले हवाएं है ना वो शाहरुख़ शारुकर अनुष्का वाला जो सॉन्ग है ठीक है वो याद कर लो ठीक है तो हवाएं इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हवाएं जो है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा चलती हैं उसी के डायरेक्शन में रनवे बनाते हैं मतलब वो क्रॉस ना करे समझ रहे हो बात को उसी डायरेक्शन में रनवे का ओरिएंटेशन रखा जाता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा हवाएं चलती हैं उस डायरेक्शन में आ, उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है मुंबई के एयरपोर्ट का इंक्लिनेशन अलग होगा दिल्ली में अलग होगा पुणे में अलग होगा ठीक है चेन्नई में अलग होगा नहीं तो ना जाने कहां ले चलेंगी हवाएं आपको तो बात यह है कि आपको क्या करना है कि हम यहां पर जब भी ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे तो विंड वेलोसिटी ज्यादा ना हो हमारे एयरक्राफ्ट को डैमेज ना करें ठीक है इसीलिए उसी के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करेंगे तो इसके लिए विंड की वेलोसिटी ड्यूरेशन इंटेंसिटी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और फिर रिजल्ट निकालते हैं कि टू किसेंट टाइम विंड का ओरिएंटेशन क्या है देखिए जरूरी नहीं है कि विंड हमेशा साउथ से नॉर्थ जाए या ईस्ट टू वेस्ट जाए हो सकता है कि वो ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है कभी इस डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर रही है कभी इस डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर रही है 65 टू 70 परसेंट टाइम डायरेक्शन में विंड ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन में रनवे का ओरिएंटेशन अडॉप्ट किया जाता है ठीक है ठीक और कहीं पर मान लीजिए हवाओं में बहुत बदला बदली होती कि कभी ईस्ट वेस्ट है तो कभी नॉर्थ साउथ हो गया तो वहां पर दो से तीन रनवे भी बना दिए जाते हैं ठीक है तो ऐसा है लैंडिंग सेफ होनी चाहिए टेक uh, ऑफ जो है वो सेफ होना चाहिए ठीक है तो ये बात है तो विंड रोज डायग्राम से डायरेक्शन ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ द विंड है इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाती है ठीक है तो ये चीज आप यहां पर याद रखिएगा ठीक है तो डायरेक्शन ड्यूरेशन इंटेंसिटी इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती बड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट है विंड रोज डायग्राम नाम भी अच्छा है ना देखो विंड रोज <laughs> हवा गुलाब चित्र <laughs> हवा गुलाब चित्र है <laughs> ना क्या हुआ ये याद रख लेना बस ठीक है तो रोज इज रोज कलर वाओ है ना <laughs> चलिए सर आज तो अरे नहीं निपटाएंगे भाई संकेत जिंदा रहोगे सब है ना <laughs> सानी का मतलब को लग रहा है कि बोर ना हो है ना नहीं होना चाहिए ना बोर है ना तभी तो मजा है पढ़ाई करने का खेल खेल में सीखो ठीक है हस्ते हस्ते सीख लो तो अच्छा है। चलो। रिक्वायर्स 1800 मीटर जो है ठीक है 1800 मीटर जो है ये रिक्वायर्ड है स्टॉप में आने के लिए तो मैंने क्या बताया था जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उससे सिक्सटी ठीक है सिक्सटी और ठीक है हम लोग छोड़ के रखते हैं मतलब जैसे वन किलोमीटर है तो वन किलोमीटर में यह है कि पॉइंट फोर किलोमीटर में पॉइंट सिक्स किलोमीटर में स्टॉप में मिनिमम तो आ ही जाना चाहिए ठीक है तो 0.6 किलोमीटर में स्टॉप में आ जाना चाहिए 0.4 मीटर जो है वो इमरजेंसी के लिए रहे ठीक है कभी टायर वायर बस्ट हो गए तो क्या करोगे ठीक है तो यहां से आप देखिए तो 1800 मीटर उसको स्टॉप आने में लगता है तो इससे आप 60 परसेंट और ज्यादा लेंथ प्रोवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है इसको 0.6 से डिवाइड कर दो डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा ये हो गया वाई थ्री थाउजेंड मीटर दैट इज गोइंग टू मीटर को दो टाइप, होते है हाँ, दो टाइप के होते हैं रेक्टेंगुलर और जो है आपका एक ओरिएंटेशन के बेसिस पर कुछ ऐसे यहां पर कुछ इस तरीके से इस तरीके से जो है डायग्राम होते हैं ठीक है तो एक रेक्टेंगुलर भी पोर्शन होता है ठीक है <laughs> नहीं रुलाएगा पेपर सुमित <laughs> बॉदर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ओरिएंटेशन ऑफ प्रिफरेंशियलोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बाय द ओरिएंटेशन ऑफ रनवे इन एन एयरपोर्ट इज देखो बता चुका हूं इसको ठीक है पढ़ करके आंसर दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा आई विल बी थिंकिंग कि आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा हुआ है ठीक है अब तुम लोग ये डिस्कशन मत करोगी पेपर रुलाता है कि आंसर शीट रुलाती है आंसर बताओ यहां पे कल मैराथन सेशन है ठीक है तो कल टुडे इज इलेवन दिसंबर है ना तो ट्वेल्व एंड थर्टीन ठीक है तो कल मैराथन सेशन रहेगा दस घंटे का ठीक है और फिर परसों रहेगा पांच घंटे का ठीक है सो बी रेडी फॉर दैट ठीक है तो उसके लिए अभी से तैयारी करवा रहा हूं आप लोग को है ना तो गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, है ना? गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, है मैं आ गया हूं बोल इंतजाम क्या क्या है <laughs> चलिए इसका आंसर सभी लोगों ने करेक्ट बताया द लॉन्गेस्ट इज आंसर दैट इज हियर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ पैरल रनवे सिस्टम प्राइमरिली डिपेंड्स अपॉन ठीक है तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम किस बात पर डिपेंड करती है ये आपको यहां पर आंसर जो है वो बताना है ठीक है तो लेटर स्पेसिंग बिटवीन टू रनवे टू रनवे बीच में स्पेसिंग कितनी है उसके बेसिस पर हम इस चीज को यहां पर डिसाइड करते हैं है ना क्वेश्चंस होंगे राजू है ना क्वेश्चंस विल बी देयर टेलीग्राम पे भी अपडेट आ गई होगी अब आप लोग यहाँ पर बिजी हैं तो आपने देखा नहीं होगा है ना ले जाए जाने कहा मुझे हवाएं हाँ यार ये था वो सॉन्ग है ना तो <laughs> क्या कह रहे हो? ओके। <laughs> okay. अरे बात कुछ नहीं है जय सेशन लंबा है ना तो थोड़ा सा इसलिए है ना यू हैव टू बी मोटिवेटेड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड रोज डायग्राम इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बता दिया था पचास बार रिपीट कर करके रनवे ओरिएंटेशन ठीक है क्रूजिंग स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट देखिए एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है ना उसका मेजरमेंट हम लोग बहुत सारे तरीके से करते हैं ठीक है एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है उसका मेजरमेंट हम लोग बहुत सारे तरीके से करते हैं देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ना एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है velocity, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कार में जा रहे हो तो हमारी कार में जो स्पीडोमीटर चलता है तो उसमें बता रहा है वन किलोमीटर पर आर तो वो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड रेस्ट पर है और आप वन से चल रहे हो अब मान लीजिए आप 120 से चल रहे हो और आपके बाजू में एक कार आ गई ठीक है अब दोनों ऐसे पैरेलल चल रहे हो ठीक है दोनों पैरेलल चल रहे हो तो आपको क्या एहसास होगा कि आप और दूसरी कार जो है वो सेम स्पीड से जा रही यही फील होगा ना इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगेगा कि यार हम दोनों के बीच वेलोसिटी जीरो है तो बात यह है कि किसके रिस्पेक्ट में जीरो है ठीक है तो हर चीज किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में होती है ठीक है आप कहोगे कि वाटर जो है आप कभी ऐसा भी कह सकते हो कि वाटर इज मोर एसिडिक ठीक है तो हाँ भाई वाटर ज्यादा एसिडिक है किसके में? है? किसके में 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 ठीक है है तो किसी बेस के ज्यादा एसिडिक है, है? आप कह सकते हो वॉटर इज मोर बेसिक किसके रिस्पेक्ट में किसी एसिड के रिस्पेक्ट में तो हर चीज जो है वो रिस्पेक्टिवली डिफाइन होती है रिलेटिवली डिफाइन होती है ठीक है तो ये बात है तो क्या होता है कि जब हम एयरक्राफ्ट की स्पीड को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो उसे कहा जाता है दैट इज द क्रूजिंग स्पीड ठीक है दैट इज नोन एज द क्रूजिंग स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ठीक है तो यह बात याद रखिएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब मेजर किया जाता है तो इसे हम लोग क्रूजिंग स्पीड यहां पर कह देते हैं ठीक है चलिए <laughs> जी हा जी आ जी <laughs> चलिए ट स्केल किस चीज के लिए यूज किया जाता है तो ब्यूफोर्ट <coughs> स्केल किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ विंड ठीक है विंड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसको यूज करते हैं ठीक है तो क्रूजिंग स्पीड विंड के रिस्पेक्ट में जो होती है वो ब्यूरो मतलब आपकी स्पीड जो है वो कहलाती है ठीक है

टेंचर एलिवेशन टेचर एलिवेशन और ग्रेडियंट एलिवेशन टेम्परेचर एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट ओके सो सी इज योर आंसर डिस्कस डिस्कशन इसके बारे में ऑलरेडी हो चुका है ठीक है ओके okay, बहुत बढ़िया चलो तो हवाई यात्रा खत्म करते हैं और चलते हैं पानी की तरफ है ना तो क्यों ना अब समंदर की सैर की जाए या नदियों की सैर की जाए ठीक है बहुत हवा में उड़ लिए ठीक है थीके? तो मैं चाहता था कि आपको लास्ट वाला एयरपोर्ट ना रखूं एयरपोर्ट लास्ट रहता ना तो फिर आप हवा में उड़ जाते ठीक है तो हवा में नहीं उड़ना है हमको ना जमीन पे रहना है ठीक है तो हवा से वापस आपको जमीन पे तो नहीं पर पानी पे तो लाके छोड़ दूंगा ठीक है फिर पानी पे आज ला छोड़ देंगे फिर कल वापस से जमीन पे आना ठीक है और बाकी चीजों को सॉल्व करना ठीक है तो आप लोगों ने रेल यात्रा कर ली ब्रिज के ऊपर से भी चले गए हवाई यात्रा भी कर ली ठीक है तो चलिए अब आते हैं डॉक और हार्बर पे ठीक है तो डॉक हार्बर में कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं उसको सुन लो समझ लो बताया था आज का सेशन थोड़ा लेंदी रहेगा तो जिन्होंने भी पेशेंस रखा है उन्हें कुछ ना कुछ इसका फल जरूर मिलेगा ठीक है और आई होप कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए ठीक है भगवान से कृपा करिए ठीक है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए है ना तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग सो लेट्स टॉक अबाउट डॉक हार्बर ठीक है तो चलिए आते हैं कोस्टल लाइन की तरफ ओके पानी में डूबने नहीं देंगे दीपाली चिंता नहीं करो पानी में डूबने नहीं तैर करके निकालेंगे वापस लाएंगे ठीक है डूबने नहीं देंगे ओके आ, सर जिसे तैहामा नहीं आता कहीं डूबा नहीं तैरना नहीं आता अच्छा नहीं 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 डुबाएंगे बिल्कुल नहीं डुबाएंगे उसका टेंशन नहीं लो है ना पानी में डूबोगे नहीं अरे डॉक और हार्बर क्यों बना रहे हैं ताकि डूबो ना इसलिए तो बना रहे हैं ना ना डॉक हार्बर है चलो आ जाओ क्वेश्चन पे चलिए द प्रोटेक्टिव बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू इनक्लोज हार्बर इज नोन एज देखो ये ना क्वेश्चन दो चार तरीके से आपके एग्जाम में पूछे पूछे जाने के चांसेस हैं बस पेशेंस ज्यादा नहीं थोड़े ही क्वेश्चन है इसके ठीक है पांच छह क्वेश्चन ही है क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी बड़ा ऑड है देखो जैसे ये ना क्या कोस्टल लाइन है ठीक है देखो कुछ नहीं है मुझे ना पार्किंग चाहिए ठीक है मुझे पार्किंग चाहिए पार्किंग क्या है भाई पार्किंग ये है कि मुझे क्या है ना अपने वेहकल को जैसे पार्क कराना तो तो पार्किंग स्पेस बनाते है। अब मुझे, है, है? तो मुझे तो जहां पर आप पार्किंग बनाते हो ना वहां का वाटर जो है वो स्टिल होना चाहिए स्टिल कहने का मतलब पीसफुल होना चाहिए शांत होना चाहिए है ना शांतता पाई जाती थे है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ना एक वॉल बना देते हैं ठीक है ये ऐसे आपने एक वॉल बना दी तो आपने जब यहां पे वॉल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी ठीक है ऐसे वॉल बना दी ये जो वॉल होती है ना इसको ब्रेक वाटर कहते हैं ये ब्रेक वाटर का, का काम क्या होता है कि यहां का जो वाटर है ना ये थोड़ा सा स्टिल हो जाता है पीसफुल हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा इसमें वेव्स नहीं चलती हैं तो इस वजह से क्या है यहां पे जो हमारे शिप वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से पार्क हो जाते हैं तो आप ये याद रखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ब्रेक वाटर द प्रोटेक्टिव बैरियर कई बार ये हमको नेचुरली मिल जाता है किसी जगह पे मान लीजिए किसी जगह पे यहां पे ऐसे पहाड़ वगैरह है ठीक है तो पहाड़ वगैरह काफी ऐसे हैं तो उसके केस में क्या होगा कि वो आपके लिए नेचुरली उस बैरियर का, का काम कर देगा ठीक है तो यहां पे वाटर स्टिल है आपके शिप वगैरह पार्क हो जाएंगे अब नेचुरल अवेलेबल नहीं है तो हम आर्टिफिशियल बनाएंगे तो ब्रेक वाटर कैन बी नेचुरल इट कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो ठीक है तो ये यह चीज यहां पर याद रखिएगा ठीक है तो ब्रेक वाटर की इमेज शो कर दें चलो भाई कह रहे हो तो कर ही देते हैं है ना बोला है तो कर ही दूंगा <laughs> चलिए तो ब्रेक वाटर क्या होता है यहां पर ये देखते हैं हम तो ब्रेक वाटर मूवी नहीं चाहिए भाई मुझे ब्रेक वाटर जो है ना वो हार्बर में चाहिए है. ये देखो ये देखो ये ऐसे समंदर था है ना समंदर में नहीं नहीं तो समंदर जो है इसकी कोस्ट लाइन है इसको और आगे बढ़ा दिया ठीक है ये ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया देखो ये जैसे ये इस इमेज को भी आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे ऐसे कोस्ट लाइन बना दी तो यहाँ का वाटर क्या है शांत हो गया ठीक है तो ये पार्किंग बन गई पार्किंग है हमारी और कुछ नहीं पार्किंग बनाने के लिए ब्रेक वाटर आपको यूज करना पड़ता तो कहीं भी ऐसे मुंबई में आप देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया के पास आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी ठीक है कोंकण रीजन में और भी जो छोटे छोटे पोर्ट है वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हो ठीक है तो ये ब्रेक वाटर कहलाता है आपका ओके चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्लिप वेज इन हार्बर ठीक है स्लिप वेज हार्बर में किस पर्पस के लिए होता है ठीक है स्लिप वेज जो है वो हार्बर में किस पर्पस के लिए होता है ठीक है तो देखो वेहकल के लिए गैराज एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर ठीक है और डॉक हार्बर के लिए क्या डॉक हार्बर के लिए स्लिपवेज समझ गए बात को अब आंसर बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए संकेत क्या कह रहे हैं ब्रेक वाटर कितनी दूर पे बनाया जाता है शोर से आ, ब्रेक वाटर कितनी दूर पे बनाया जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो पोर्ट या हार्बर आ, मतलब जो हार्बर है उसमें ट्रैफिक कितना है अब जैसे मुंबई पोर्ट है या चेन्नई पोर्ट है विशाखापट्टनम है कांडला है पारादीप है ये बहुत बड़े बड़े पोर्ट है है ना मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ काफी ज्यादा रखी जाएगी ठीक है अब जैसे जो छोटे छोटे पोर्ट है, है ना तो वहां पे कम तो वो ट्रैफिक के हिसाब से डिसाइड होता है, है ना अब कौन सा बस स्टेशन बस स्टैंड कितना बड़ा होगा रेलवे स्टेशन में कितने प्लेटफॉर्म होंगे वो ट्रेन की आवाजाही पर डिपेंड करता है ना ये बात है ठीक है तो वैसे ही आप इसको समझ सकते हो ठीक है

अब आपसे पूछा गया है कि हार्बर है क्या भाई बेसिकली ठीक है हार्बर इज नथिंग अ पार्ट ऑफ अ पोर्ट है ये ठीक है पार्ट ऑफ पोर्ट होता है सिनोनिमस नहीं होता है ना डॉक हार्बर एंड पोर्ट हम कहते हैं ठीक है डॉक हार्बर पोर्ट सिनोनिमस होता तो एंड पोर्ट नहीं कहते ब्रैकेट में लिखते हैं ठीक है तो ये चीज यहां पर कैंसिल आउट है की भी नहीं है. हवाई यात्रा कर लेना ट्रेन में जर्नी ज्यादा लेना वहां से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है यहां से थोड़े कम ही होंगे ठीक है अ डॉक पैरल टू शोर इज कॉल्ड एज याद रखिए होता है क्वे ठीक है दैट इज नोन एज द क्वे कैटवॉक नहीं होता है मोल नहीं होता जेटी नहीं होता जेटी चलो मैं आपको क्वे दिखा देता हूं ठीक है लेट मी शो यू द के शोर के जो किनारे होता है ना वो पूरा आपका क्वे कहलाता है ठीक है सो क्वे इन हार्बर ठीक है quay in देखो ये जैसे है आपका ठीक है ये ठीक है ये तो ये जो जो आपकी लाइन चल रही है ना पूरी पैरेलल इसके ठीक है ये आपका क्वे कहलाता है ये वाला पार्ट ठीक है दैट इज नोन एज द क्वे ठीक है ये वाला पार्ट आपका जैसे ये है ठीक है तो ये सीरीज ऑफ ठीक है सीरीज आ, इसके पीछे आपके लगातार है ये आपके क्वे कहलाते है हैं ठीक है ओके तो ये बात यहां पर याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ड्राई डॉक का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बता दीजिए वॉट इज मीन बाय द ड्राई डॉक है ना ड्राई डॉक का मतलब क्या होता है देखो माइनर रिपेयर मेंटेनेंस वर्क के लिए जो बनाए जाते हैं ना उनको ड्राई डॉक कहा जाता है ठीक है, 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 है।, है, मतलब है ना तो ड्राई पोर्ट क्या होता है जैसे कि ड्राई पोर्ट किसे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे पुणे है ठीक है पुणे इज अंडलॉक सिटी ठीक है तो यहां पे हार्बर तो हो नहीं सकता ठीक है नागपुर इज अंडलॉक सिटी नाशिक इज लैंडलॉक सिटी तो यहां पे हार्बर हो नहीं सकता तो क्या है कि ऐसी जगह पर जैसे जो ट्रेन वगैरह के सामान रखे जाते हैं तो उनको ड्राई पोर्ट कहते हैं ठीक है क्योंकि हार्बर्स का मेन काम क्या है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगेज वगैरह यही सब फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं ठीक है जर्नी के लिए तो बहुत ही कम प्रिफर होता है ठीक है जर्नी वर्नी के लिए प्रिफर नहीं किया जाता इनको बहुत टाइम लगता है ठीक है और आ, काफी मतलब हेक्टिक भी हो जाती है जर्नी हाँ एंजॉयमेंट के पर्पज से कोई जा रहा है तो वो अच्छी बात है ना नहीं तो ज्यादा एंजॉयमेंट के पर्पज से गए पता चला पहली यात्रा में टाइटेनिक बन गए ठीक है तो हमको टाइटेनिक तो बनना नहीं है हमको तो बाहर आना है ओके तो ये बात है ठीक है तो ड्राई डॉक का मतलब यहां पर ये यह होता है दैट इज ऑल अबाउट योर सेशन फॉर ट्रेन मतलब रेलवे एयरपोर्ट डॉक हार्बर और ब्रिज की तरफ से मेरा आपके मेरा आपके लिए एक सजेशन ये है कि एयरपोर्ट रेलवे और ड्रॉक हार्बर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ब्रिज के उतने चांस नहीं लगते क्वेश्चन आने के एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना जिनको बहुत अच्छे से जिन्होंने चीजें वगैरह करके रखी हुई है ठीक है सो दैट इज देयर फॉर टुडे तो आज का सेशन कुछ इतना ही है आप लोगों के लिए है ना और ज्यादा कुछ चीजें इसमें नहीं है इतना ही करके चले जाओ बहुत है ठीक है एक आध क्वेश्चन भी आ गया डॉक हार्बर से तो ठीक है रेलवे एयरपोर्ट से ज्यादा चांस है, है तो ये चीज है, है तो चलिए कल से आपका मैराथन द मैराथन ऑल द सब्जेक्ट इन लेस ड्यूरेशन ऑफ टेन आवर्स उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कल रिवाइज हो जाएंगे जो बचेंगे वो आपके परसों हो जाएंगे ठीक है तो वन पॉइंट फाइव डेज का आपका ये सेशन है एंड दैट इज गोइंग टू बी द चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद listening my things to listening my <laughs> jokes to listening my shayari शायरी सहन करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का to okay? तो मिलते हैं फिर हम लोग session mein में and till then. किसी को कोई दिक्कत है टनल मत करो यार टनल मत करो ठीक है इतना भी रिमोट टॉपिक्स पे मत जाओ ठीक है बाकी चीजों चीजों को करिए थैंक्स सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप मुंबई आ रहे हैं कब आ रहा हूं मुंबई <laughs> कब आ रहा हूं मुंबई कब बोला मैंने मैं मुंबई आ रहा मुझे ही नहीं पता लगा अच्छा <laughs> चलिए देखते हैं ये कहां से आया भाई संकेत चलिए ठीक है आ, तो मिलते हैं फिर सो टिल देन आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश ओके एमपी से है ना और अच्छा हो गई है क्या चलो ठीक है संकेत आप तो मुनावर भी अच्छे से अरे <laughs> चलो यार मतलब बच्चे लोग भी मजे लेना नहीं छोड़ते चलिए ठीक है Hannah, okay. So, uh, we are going to meet in tomorrow's session, or till then, goodbye, good night. और कल मिलते हैं फिर आ, कल मेरा हाईवे और आरसीसी रहेगा और परसों जो है हाइड्रोलॉजी वगैरह डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो इतना मेरी तरफ से रहेगा आप लोग के लिए जो चारों सब्जेक्ट है कॉमन अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पावर ब्ले में डिस्कस नहीं हुए ठीक है तो एक रैपिड रिविजन आप लोग के लिए थ्रू द एमसीक्यूज विल बी देयर ओके किसी को कुछ बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाकी पीडीएफ का इश्यू सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए तो गुड नाइट एंड मिलते हैं सुटिल देन गुड नाइट